यस मालिक वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी लोगों को आ जाओ जी जल्दी सभी लोगों को आ जाओ जी जल्दी चलो जी सो यस पापा इज गुड एज ऑफ नो चीजे ओके एंड सिंस मैंने कहा बीच में कहा एक दिन और छूट गया था तो आज मैं कंटिन्यू कर लूँ भले किसी और का हो ना हो ताकि हम सभी के लाइनअप में आ जाए सभी के लेक्चर के लाइनअप के अंदर में आ जाए सो यस चलिए आज आ जाते हैं आगे जस्ट गिव मे अनेट कुछ सेटिंग्स कर लूं चलिए सर ओके सो एवरीबॉडी रेडी सभी लोग कैसे हैं संडे के दिन आप लोग वर्क कर रहे हैं आज पहला संडे आप लोग वर्क कर रहे हैं आज दिस इज द लेक्चर कंटिन्यूएशन ओनली सो यस सभी लोग बहुत अच्छे होंगे पूरी उम्मीद करता हूँ सभी लोग थोड़ा बहुत पढ़ के भी आए होंगे ये भी उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत तो भी पढ़ के आए हो ऐटलीस्ट येस अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है मैं एक बार क्विक रिकैप आप लोगों के सामने रख दूँ सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा सेक्शन नंबर वन देखा सर क्या देखा सेक्शन नंबर वन देखा सेक्शन नंबर वन के अंदर में हमने शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट वाली ने इंडिया का डेफिनेशन देखा कि इंडिया कहां तक के फैला हुआ है लैंडमार्क सी बेस अपू टू हंड्रेड नॉटिकल माइल्स एयर स्पेस अबाउ सी बेड ये सारी चीजें इसके अंदर में कवर की जाती है यस yes, प्रभु अच्छा जी इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा <coughs> इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि सर सेक्शन चार हम लोग पढ़ने गए थे पेज नंबर पांच के ऊपर लिखा हुआ है जल्दी से पहुंच जाइए क्या लिखा हुआ है इनकम टैक्सेस पेबल क्या लिखा है प्रभु इनकम टैक्सेस पेबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर एट द रेट स्पेसिफाइड इन एनुअल फाइनेंस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन इन प्रीवियस ईयर तो इनकम और टैक्स ये दो वर्ड तो हम पहले ही खुद खाद कर चुके थे राइट टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन हमारा बन जाता है टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन पर्सन की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी पर्सन की डेफिनेशन थी टू सबसेक्शन थर्टी वन के अंदर में क्या डेफिनेशन थी मुझे जल्दी से बता दो इंडिविजुअल एच यू एफ फर्म कंपनी एओपीबीओ आई लोकल अथॉरिटी एजेपी याद आ रहा है क्या मालिक इसको हमने डिस्कस किया था जब हम पर्सन की डेफिनेशन डिस्कस करने जाते हैं तो हमें एक और डेफिनेशन को डिस्कस करना होता है टू सबसेक्शन सेवन वाली डेफिनेशन को दैट इज असैसी एनी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम अंडर दिस एक्ट एंड एनी पर्सन हु इज ऑन हुम एनी प्रोसीडिंग इज गोइंग ऑन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज इनकम और एनी अदर इनकम ज एसी इन डिफॉल्ट एन एस एसी डीम टू बी एन एस एसी ये सारे चीजें एस एससी के डेफिनेशन के अंदर में आती है मैंने कहा था पर्सन और एस एस सी के डेफिनेशन एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है तो बिल्कुल आ, आपने भूलना नहीं ये सो नो कई बच्चों को मैं आप बता दूं आज हम थोड़ा सा जल्दी ले रहे हैं दो बजे वैसे भी किसी का लेक्चर था नहीं इसके पहले बीस मिनट में और दो बजे से पहले मैंने सोचा आज थोड़ा सा जल्दी ले लूँ थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिल जाएगा और आपके साथ मजा भी आएगा डन सर चलिए आगे बढ़ते हैं असेसी के डेफिनेशन के बाद हमने और दो वर्ड खोदे पर्सन खत्म ये खत्म ये खत्म हमने और दो वर्ड खोदे प्रीवियस ईयर कैलेंडर ईयर लेकिन साथ ही साथ में मैंने आपको यह भी बताया था कि हम बचपन से दो अलग वर्ड पढ़ते आए हैं कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर वो हमने क्यों नहीं लिया क्योंकि वहां पे मैंडेशन था बारह महीनों का लेकिन प्रीवियस ईयर में ऐसा कोई मैंडेशन नहीं है प्रीवियस ईयर मतलब क्या अ प्रीवियस ईयर मीनस एनी ईयर प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर इट इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्न ये वो साल है जिस साल में इनकम अर्न की जाती है Yes no? इसी के लिए इसे क्या कहा जाता है प्रीवियस ईयर कहा जाता है ठीक है सर क्या जरूरी है प्रीवियस ईयर बारह महीने का ये वो मैंडेटरीली नहीं क्या एक दिन का भी प्रीवियस ईयर हो सकता है यस अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो प्रीवियस ईयर कहां से स्टार्ट होगा जिस दिन से बिजनेस कमेंस हुआ है उस दिन से आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो जाएगा व्हाट इज असेसमेंट ईयर हर साल एक अप्रैल से चालू होगा असेसमेंट ईयर राइट असेसमेंट ईयर के पहले वाले ईयर को हम हमेशा क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर ये एक जनरल रूल हम लोगों ने पढ़ा था क्या पढ़ा था बेटा जनरल रूल हमने जनरल रूल पढ़ा था इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर ये एक जनरल रूल हम लोगों ने पढ़ा था डन सो so वापस से मैं लिख रहा हूं आपको लिखने की जरूरत नहीं है वही जनरल रूल मैं लिख रहा हूं इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज Taxable in assessment year. year This is, was the last thing we did. Yes or no? Income of previous year is taxable in assessment year. ऑफ प्रीवियस के सबको याद आ रहा है मालिक Okay. जो लोग आज नए आए हैं पहली बार आए हैं और जिनको पता नहीं है राइट right? उन सभी लोगों से बोलूंगा कि इसके पहले के सारे पार्ट आप लोग देख करके आए सो so that आपका लिंक बहुत अच्छे से लग जाएगा राइट right? ओके okay. जितने सवाल है सारे सवाल की क्वेरीज का हम लोग सेपरेट सेशन लेते हैं बेटा एंड में आप बीच में कोई भी कमेंट करेंगे कोई भी सवाल करेंगे इसका शायद ही मैं कोई जवाब दे पाऊं डन मालिक ओके सो इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन वॉट असेसमेंट ईयर ये जनरल रूल हमें मिल गया यानी जिस साल की प्रीवियस ईयर की इनकम हमने कमाई असेसमेंट ईयर में हम उसके ऊपर क्या देंगे टैक्स देंगे पर एक सवाल है क्या हर बार ऐसा होगा कि इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर आंसर इज इस नो इसके कुछ एक्सेप्शन है जो अगेन बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं एक्सेप्शन है एक्सेप्शन का मतलब इन फॉलोइंग केसेस इन फॉलोइंग केसेस टैक्स इज टू बी पेड इन प्रीवियस ईयर इट्स कुछ केसेस ऐसे हैं जिस केस में टैक्स हम प्रीवियस ईयर में ही पे करेंगे असेसमेंट ईयर में नहीं पे करेंगे यानी क्या मैं कह सकता हूं कुछ केसेस के लिए प्रीवियस ईयर विल बी इक्वल टू असेसमेंट ईयर कुछ केसेस के लिए प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर बन जाएगा जनरल रूल क्या है जनरल रूल ये है कि इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर जनरल रूल क्या है इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है सर कितने एक्सेप्शन एक्सेप्शन है है बताऊंगा कुछ जिसका मतलब यह है कि कुछ इनकम के लिए प्रीवियस ईयर में जिस साल में आपने इनकम कमाई उसी साल में टैक्स देना है जिस साल में आपने इनकम कमाई उसी साल में टैक्स दे देना है अब आप ये पूछेंगे कि सर ऐसे कौन कौन से केसेस हैं? मैं आपको बताता हूं ऐसे कौन कौन से केसेस हैं सिचुएशन नंबर वन नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस सेकेंड एओपीबीओ आई फॉर्म्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन Point number three Closure of Business. Point number four Transfer of Property to Avoid Tax. Point number five पर्सन लीविंग इंडिया परमानेंटली चेक कर लीजिए साहब ये पांच केसेस ऐसे हैं जिनमें प्रीवियस ईयर में कमाई हुई इनकम में प्रीवियस ईयर पे ही टैक्स दे देना होता है हम असेसमेंट ईयर में नहीं जाएंगे नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस एओपीबीओ आई फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन Closure of business, transfer of property to avoid tax, person leaving India permanently. Done, Prabhu.

पूछा हुआ है तो जरा फोकस कीजिएगा लॉजिक अगर आप यहां बैठा लो तो बस काम खत्म हो जाएगा साहब यस आइए सर पॉइंट जरा ध्यान से सुनिएगा पहला एओपीबीओ आई फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन लेट्स डिस्कस दिस फर्स्ट सर एओपीबीओ आई जो छोटे छोटे ड्यूरेशन के लिए बनते हैं फॉर एग्जाम्पल अब आप देखिए ये जो गणेश गणेश उत्सव आता है यहां पे छोटे छोटे मंडल बनाए जाते हैं यस yes? छोटे छोटे मंडल बनाए जाते हैं नवरात्रि जब आती है तो गरबा के लिए जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इसके अलावा कई लाइव कॉन्सर्ट्स होते हैं अब जैसे आप मुझे एक बात बताइए फॉर्मूला रेस वन इंडिया के अंदर में हुआ दिल्ली के अंदर में राइट इसके अलावा अगर देखेंगे कोई इंटरनेशनल डीजे है इनके कोई फंक्शन हुए सन फेस्टिवल हुआ और ऐसे कई यू नो इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स होते हैं अभी क्या साल भर के लिए होते हैं या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं क्या कोई गारंटी है अगले साल ये वापस आएंगे आंसर इज नो इसकी कोई गारंटी अगले साल ये वापस आएंगे अगले साल ऐसा कोई फंक्शन होगा ही इसकी कोई गारंटी नहीं है नो yes no? अब कोविड सिचुएशन में ही ले लीजिए पिछले बार सन्मन बहुत अच्छे से हुआ था इस बार हो पाया नहीं हो, हो पाया ऐसे कई लाइव कॉन्सर्ट है जो हर बार होते हैं और इस बार नहीं हो पाए इसकी कोई गारंटी नहीं अगले बार ये होगा अब जैसे इंटरनेशनल पॉप स्टार है राइट लेट से कोई इंटरनेशनल पॉप स्टार कहा आता है इंडिया में आता है इंडिया के अंदर में एक शो करता है से इंडिया में आए इंडिया में एक शो किए कोई गारंटी हर बार ही आएगा नहीं बट ये एक ऐसा एसोसिएशन था जो एक छोटा सा बॉडी ऑफ एसोसिएशन था जो कुछ फॉर्म्स के लिए कुछ ही समय के लिए आया उसने इनकम कमाई और इनकम कमा करके जैसे ही बाहर जा ही रहा था इमेजिन कीजिएगा सिचुएशन क्या हुई कोई एसोसिएशन कोई पॉप स्टार पैसे कमा के इंडिया से जा रहा है जैसे ही वो बाहर जा ही रहा था इतने में वो आई वो Assessing officer. इतने में वो आई उसने कहा हेलो hey, इधर 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 ये आपने इनकम कमाई आप टैक्स नहीं दिए आप टैक्स दिए बगैर जा रहे हैं ऐसा कैसे मैडम आप समझ नहीं रही है मेरी बात सुनिए आपने शायद लॉ नहीं पढ़ा आप ही के लॉ के अंदर में लिखा हुआ है इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर मैं अगले साल आऊंगा ना अगले साल आकर के आपको टैक्स दूंगा नहीं 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 अगले साल आप आएंगे इसकी क्या गारंटी है अगले साल आप आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है अरे मैम पर आपका ही लॉ कहता है ना इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट मैं अगले साल आऊंगा ना तब टैक्स दूंगा ओके बाय अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो बॉस पिछले साल जो कॉन्सर्ट हुए थे वो इस साल होने वाले हैं इसीलिए क्या किया जाता है जो एओपी शॉर्ट फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन होते हैं इनके सेपरेट अप्रूवल्स लेते हैं और इन्हें उसी साल में क्या पे करना होता है टैक्स पे करना होता है दूसरा दूसरा नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस इमेजिन कीजिएगा ठीक है इमेजिन कीजिएगा ये मुंबई पोर्ट कोई शिप शिप दिख रही है नहीं भी दिख रही है तो आपको मेरी ड्राइंग पता है ये शिप मुंबई पोर्ट के ऊपर आई मुंबई पोर्ट से कुछ गुड्स लेकर के लेट से इसको जाना है थाईलैंड बराबर है इसको जाना है थाईलैंड अब जरा पॉइंट समझ के देखिएगा जैसे ही ये शिप मुंबई पोर्ट, पे पोर्ट से कुछ कुछ पैसेंजर लिए और यहां से के निकल रही है आया। आया? आया। इतना, इतना, इतना। आप यहां से गुड्स लेकर जा रहे हो शिप लेकर जा रहे हो सामान लेकर के जा रहे हो और इसका पैसा इसका इनकम जो आपने कमाया इसके ऊपर टैक्स कौन देगा आपको अभी टैक्स देना होगा अभी सर आपने शायद टैक्स नहीं पढ़ा सर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर सर तो आप जाइए पहले टैक्स पढ़ के आइए जब तक आप टैक्स नहीं पढ़ेंगे तब तक की ये बात नहीं हो सकती नहीं, नहीं नहीं आप बात नहीं समझ रहे अगले साल ये शिप वापस इंडिया में आएगी इसकी कोई गारंटी है नहीं अगले साल आप इस पर टैक्स देंगे एक बार तो आप तो नॉन रेसिडेंट है आप कमा कुमु करके निकल जाएंगे आपको हम कहा ढूंढते बैठेंगे कि आपने टैक्स दिया है या नहीं दिया है अंडरस्टैंड इसकी कोई गारंटी नहीं अगले साल ये शिप आए कोई गारंटी नहीं ये जाने के बाद क्या करे? आ, टैक्स दे इसी के लिए जब भी कोई शिप होता है और इंटरनेशनल शिप होता है और ये निकलने वाला होता है तो पोर्ट में निकलने से पहले ही इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होता है जी हाँ कस्टम में वहां पे एक बॉक्स भी होता है जो इनकम टैक्स का बॉक्स होता है जिसे हम इनकम टैक्स विंडो कहते हैं वहां जाकर आपको चलान पे करना पड़ता है इनकम डिक्लेयर करनी पड़ती है और उसके ऊपर टैक्स देना होता है जब आपको इनकम टैक्स का क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलेगा तभी आप इंडियन शिप या इंडियन वाटरवेज से जा पाएंगे अदरवाइज आप नहीं जा सकते है। हैं आपने जो इनकम कमाई उस पर टैक्स तभी के तभी आपको क्या करना पड़ा देना पड़ा गेटिंग इट थर्ड क्लोजर ऑफ बिजनेस अब मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि आदमी अपना बिजनेस यहां से वाइंड अप करता है और वाइंड अप करके निकल जाता है ये yes सुनो no? अब ऐसे केसेस के अंदर में कोई बिजनेस अपना बंद कर रहा होगा अगले साल वो उस बिजनेस तो क्लोजर होता है और आप पैन कार्ड एंड अदर चीजें वापस करते रहते हैं उस टाइम पे आपको क्या करना होता है मालिक टैक्स का पेमेंट करना होता है और इनकम टैक्स का क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होता है और फिर आप क्या करते हो पैन कार्ड सरेंडर करते हो अपना डन चौथा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स अब देखिए थोड़ा सा सब्जेक्टिव इशू भी है क्यों अब ऐसे कई लोग है आप विजय माल्या को देख लीजिए नीरव मोदी को देख लीजिए या अन्य पीपल जो भारत छोड़कर के जैसे उनके पीछे अगर कोई केसेस लग जाते हैं दे ट्राई टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी एज सुन एज पॉसिबल एंड एप्सॉन्ड फ्रॉम इंडिया ये ट्राई टू एब्सकॉन्ड फ्रॉम इंडिया जितने जल्दी पॉसिबल हो उतने जल्दी और वो अपनी प्रॉपर्टी निकाल देते हैं अगर ऐसा कभी भी डिपार्टमेंट को लगा दैट यू आर ट्राइंग टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू अवॉइड टैक्स इन ऑर्डर टू अवॉइड टैक्स वो आपके ऊपर नोटिस जारी कर सकता है और आपको तभी के तभी के उसके ऊपर टैक्स पे करने के लिए मजबूर कर सकता है हालांकि एक सब्जेक्टिव इशू है कि डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा फिर डिपार्टमेंट कैसे एक्शन लेगा ये सब आगे की बात है बट ये एक पावर है जो डिपार्टमेंट कर सकता है कि अगर उसको कभी भी ऐसा शक होता है दैट एनी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स अगर वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है इन ऑर्डर टू अवॉइड टैक्स तो वो ऐसा कर सकता है गेटिंग इट नॉट अच्छा जी सर बेटा कुछ बच्चे हैं जिनमें से एक अभी मुझे दिख रहा है जय राठी बेटा मैंने आपसे कह दिया कि आपके सारे सवालों के जवाब बेटा मैं दे दूंगा एक पेन पेज के ऊपर लिख के रख लीजिए या एक मैसेज में टाइप कर लीजिए लेक्चर के एंड में बेटा आपको मिल जाएगा आप कमेंट करते रहोगे मेरे को भी डिस्टर्ब होगा आपके लेक्चर में भी डिस्टर्ब होगा कोई मतलब नहीं है थोड़ा सा सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग तुम भी रखो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग दिस थोड़ा सा सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग रखो लेक्चर के बीच में मैं आपसे कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं आज पांचवा दिन है मैं आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि लेक्चर के बीच में कमेंट करके कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं वो देखूंगा नहीं पर ध्यान वहां जाएगा आप कमेंट करते रहोगे तो सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर दिस पॉइंट राइट ये बोलना ना पड़े इनफैक्ट कोई और भी आके करता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज उन्हें बोल दीजिए लास्ट में क्वेरी पूछना बाकी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज उन्हें ये कम्युनिकेट कर दीजिए चलिए लास्ट इज पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली का मतलब क्या है अब जरा ध्यान से सुनिएगा जब भी कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर जाने वाला होता है मे बी कोई काम के लिए या किसी भी और रीजन के वजह से आउट ऑफ इंडिया अगर जाने वाला होता है तो उसको इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगता है उसको जितना भी इनकम उसने इंडिया में रहते हुए कमाया है उसके ऊपर टैक्स देना होता है इनकम टैक्स का क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होता है ये इनकम टैक्स का क्लियरेंस सर्टिफिकेट वीजा के लिए लगता है जब आप परमानेंट वीजा के लिए अप्लाई करते हो ना तो इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगता है आपको कब टैक्स पे करना पड़ा अभी, के अभी। जिस साल आपने इनकम कमाई उस साल तो जनरल रूल ये है कि प्रीवियस ईयर इनकम पे असेसमेंट ईयर में हम लोग टैक्स देते हैं जनरल रूल ये है कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे हम असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हैं लेकिन पांच केसेस ऐसे हैं जिनमें टैक्स देना होता है अभी के अभी, अभी, के अभी का मतलब प्रीवियस ईयर में जिस ईयर में आपने क्या कमाया है इनकम कमाया है यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूं इन पांच केसेस के लिए जिस साल में इनकम कमाई उसी साल के अंदर में आपने टैक्स दिया हा या हा पांच केसेस में आप जिस साल में इनकम कमा रहे हो उसी साल में टैक्स देना होता है यह क्वेश्चन करीब छह बार थ्योरी में एग्जामिनेशन के अंदर में पूछा जा चुका है वन ऑफ द वेरी थ्योरी क्वेश्चन आफ्टर पर्सन असेसी या फिर अदर डेफिनेशंस में तो यह वो क्वेश्चन है एक्सेप्शन टू द जनरल रूल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर के केस में तो आई अब मैं इसको आपको याद करना सिखाता हूं रोमांसिंग टैक्सेशन दिखाता हूं साहब राइट एवरीबडी मेरे साथ मुझे एक लड़के का नाम चाहिए जल्दी से किसका नाम लू जल्दी बता दो एक लड़के का नाम चाहिए मैं जनरली लड़कियों का नाम नहीं लेता हूं उसके मल्टीपल रीजन से आप समझ सकते हैं किसी का नाम चाहिए मुझे जल्दी से बता दो साहब किसका ले लू एक का नाम दे दो जो भी सबसे पहले कमेंट आ रहा है निकुंज ओके सर तो ध्यान से सुनिएगा तो हुआ ये एक दिन अपना निकुंज ध्यान से सुनिएगा सभी लोग इस स्टोरी को सुनिएगा काम की चीज है तो एक दिन हुआ ये कि सर अपना जो निकुंज था वो मुंबई बीच पे गणपति डांस कर रहा था सभी लोग ध्यान से सुनना एक दिन हुआ ये कि अपना निकुंज मुंबई बीच पे गणपति डांस कर रहा था इतने में कौन इतने में आई इतने में एक शिपाई इतने में कौन आई इतने में एक शिपाई शिप से उतरी एक सुंदर कन्या शिप से कौन उतरी एक सुंदर कन्या सुंदर कन्या इधर उधर देख ही रही थी कि अचानक उसकी नजर एक हैंडसम स्मार्ट लड़के के ऊपर पड़ी लड़का था अपना निकुंज निकुंज क्या कर रहा था निकुंज गणपति डांस कर रहा था इतने में वो खूबसूरत बला इतने में वो खूबसूरत बला निकुंज के पास आई निकुंज के पास आके कहती है ओ निकुंज तुम कितने हैंडसम हो तुम कितने हैंडसम हो तुम यहां क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ चलो मैं तुम्हें रॉक बनाऊंगी तुम यहां क्या कर रहे हो अपना निकुंज आपको तो पता है गौरानी आदमी निकुंज कहता है हाँ हाँ चलो ना कहा चलना है इधर पेड़ नहीं आई I मीन mean, पेड़ के पीछे ही मेरा घर है तो वहां चले कहां चलना है वो सुंदरबला कहती है नहीं नहीं निकुंज यहां नहीं यहां नहीं आप समझे नहीं तुम मेरे साथ चलो मैं तुम्हें रॉकस्टार बनाऊंगी निकुंज कहता है ओके मैं आने के लिए तैयार हूं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेट्स डू वन थिंग मैं मेरा सारा सामान बेच के आता हूं और अपनी दुकान बंद करके आता हूं फिर चलो जहां चलना है मैं अपना सारा सामान बेच के आता हूं और अपनी दुकान बंद करके आता हूं फिर चलो जहां चलना है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे निकुंज वापस आया ये खूबसूरत बला उससे कहती ओ निकुंज तुम्हें मुझसे दो वादे करने होंगे तुम्हें मुझसे दो वादे करने होंगे निकुंज कहता है तेरे लिए भाई सीनियर पे गोली खाएगा तो बोल तो सरी तुम, आ, तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे पहली बात और ये इंडिया जैसी प्लेस पे दोबारा जस्ट प्रॉमिस मी पूरी स्टोरी को वापस से एक बार सुनते पूरी स्टोरी को फिर से एक बार सुनते क्या है स्टोरी जल्दी से बताइए मुझे सबसे पहले निकुंज क्या कर रहा था गणपति डांस इतने में कौन आई अबे नालायक सुंदर कन्या नहीं सी पाई सुंदर कन्या नहीं आई सिप आई लगे सुंदर कन्या सो so, क्या हो रहा था इतने में एक शिप आई शिप से कौन उतरी शिप से उतरी एक सुंदर कन्या सुंदर कन्या ने देखा निकुंज के पास गई निकुंज को क्या बोली निकुंज को बोली निकुंज तुम कितने हैंडसम हो मुझे तुम मेरे साथ चलो मैं तुम्हें क्या बनाऊंगी रॉक स्टार बनाऊंगी तुम मैं क्या बनाऊंगी तुझे रॉक स्टार बनाऊंगी निकुंज ने कहा ठीक है मैं दो काम करके आता आता हूं हूं अपना सारा सामान बेच के आता हूँ, अपनी दुकान बंद करके आता हूं जैसे निकुंज वापस आया लड़की ने इससे दो वादे मांगे उस अबला लड़की ने इससे दो वादे मांगे पहला तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे और ये इंडिया जैसी प्लेस पे दोबारा कभी नहीं आओगे क्लियर है मालिक बात चलिए स्टोरी को इस कंसेप्ट में फिट करके देखते हैं सबसे पहला अब देखो तुमको आएगा भाई रिस्पेक्ट वाला सिचुएशन अब जरा सुन के देखना सबसे पहले निकुंज क्या कर रहा था गणपति डांस गणपति साल भर रहते हैं कुछ टाइम के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन सबसे पहला एओपी फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन इतने में कौन आई थी सुंदर गन्या अब ना लायक शिप आई थी नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस मैं मैं तुम तुम्हें रॉकस्टार बनाऊंगी स्टोरी बनाने के लिए था मैं दो काम करके आता हूं अपना सारा सामान बेच के आता हूं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अपनी दुकान बंद करके आता हूं क्लोजर ऑफ बिजनेस जैसे ये वापस आया मुझे तुमसे दो वादे चाहिए तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे इमोशन है बाजू करो इंडिया जैसी प्लेस पे दोबारा कभी नहीं आओगे पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली तुम इसे बहुत अच्छे से याद रख सकते हो दिस इज वॉट वी कॉल्ड रोमैंसिंग रिस्पेक्ट मजा आया क्या जल्दी से बताना टैक्सेशन हार्ड नहीं है बड़ा इजी है साहब स्टोरी में याद करो उंगलियों पे याद करो और आप जाओ अपने जितने दोस्त होंगे सबको बताने का तेरे को पता है क्या कंसेप्ट को ऐसे भी याद रख सकते हैं कंसेप्ट को ऐसे भी याद रखा जा सकता है सर ऐसा कुछ नहीं है कि यू uh, नो you know, आपको बहुत सीरियस वे पे ही चीजों को याद रखनी पड़ेगी दिस इज वॉट वी कॉल्ड एज रोमैंसिंग द टैक्सेशन मालिक चलो आ जाओ तो सर वापस से एक बार देख लो सभी लोग ठीक है जनरल रूल क्या है एवरीबॉडी रिपीट विद मी और घर पे बैठे हो जहां बैठे हो जोर से आवाज निकालना है स्टोरी मेरे साथ जोर से बोलना है जो लोग नहीं बोल रहे ना बेटा उसको भूत काटेगा ध्यान से सुनना इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन असेसमेंट लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है कितने एक्सेप्शन है पांच पहला ध्यान रखना स्टोरी सबसे पहले निकुंज क्या कर रहा था गणपति डांस इतने में कौन आई शिप आई तो पहला गणपति से एओपी फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन इतने में कौन आई शिप नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस निकुंज ने बोला मैं दो काम करके आता हूं अपना सारा सामान बेच के आता हूं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू तो अवॉइड टैक्स अपनी दुकान बंद करके आता हूं क्लोजर ऑफ बिजनेस क्लोजर ऑफ बिजनेस एंड पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे ये इंडिया जैसी प्लेस में दोबारा कभी नहीं आओगे याद आया क्या मालिक सो so, ये थे एक्सेप्शन टू द जनरल रूल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर यस ब्रो आइए पेज नंबर सिक्स के ऊपर आइए

डेट ऑफ इनकॉरपोरेशन डेट ऑफ कमेंसमेंट एनी ऑफ द डेट अबाउ नन ऑफ द अबाव आपका आंसर आना चाहिए डेट ऑफ कमेंसमेंट इनकॉर्पोरेशन नहीं बुलाती है मगर जाने का नहीं इंस्टीट्यूट बुलाएगी फंसाने की कोशिश करेगी तुमने बहकना नहीं बेटा सख्त सख्ती जरूरी है डेट ऑफ कमेंसमेंट सो इन केस ऑफ न्यूली स्टार्टेड बिजनेस प्रीवियस ईयर विल बिगिन फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड एंडिंग ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ऑफ दैट ईयर हाउवर नेक्स्ट ईयर शेल ऑलवेज बी ऑफ ट्वेल्व मंथ जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा इज दट डन ओके नेक्स्ट एक्सेप्शन टू द अबाव रूल ये देख लो साहब एक्सेप्शन टू द अबाव रूल यहां पर लिखा है इंपॉर्टेंट एंड डेल्ट सेपरेटली शिपिंग बिजनेस फॉर नॉन रेसिडेंट पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली यहां पे लिख देना निकुंज वाली स्टोरी अगर तुमको अपना नाम लगाना है निकुंज की जगह तुम अपना नाम लगा लो स्टोरी एज इट इज और लड़कियों में के केस में सुंदर नारी के जगह एक सुंदर लड़का आ जाएगा बस बाकी सब एज इट इज स्टोरी से ज्यादा कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है सेट यस इसको एक बार देखो जल्दी से मालिक चलो बढ़ते हैं आगे वापस से सभी लोग प्लीज सेक्शन नंबर चार पे आए सेक्शन नंबर चार पेज नंबर पांच पे लिखा हुआ है सिंप्लीफाइड एनालिसिस पढ़ रहा हूं मैं उसका अभी तक मैंने उसका बेरैक्ट नहीं पढ़ा है तो जरा ध्यान से सुनना इनकम टैक्स पेबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर क्या कहता है सेक्शन चार इनकम टैक्स पेबल है कब असेसमेंट ईयर में एट द रेट स्पेसिफाइड इन एन्यूअल फाइनेंस एक्ट किस रेट पे जो फाइनेंस एक्ट के अंदर में में स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड है है किस रेट पे जो फाइनेंस एक्ट के अंदर इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन इन प्रीवियस ईयर सो अगर मैं इसे सिंपल हिंदी में कहूं तो किसी भी व्यक्ति की प्रीवियस ईयर की इनकम पे इनकम टैक्स पे करना है असेसमेंट ईयर में एट द रेट जो फाइनेंस एक्ट के अंदर में लिखे होंगे आपको नहीं लगता ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली लेकिन एक चीज बच गई वट इज द रेट स्पेसिफाइड इन एनुअल फाइनेंस एक्ट हम एक एक चीज तोड़ तोड़ते 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 लेके आ रहे हैं और तोड़ और तोड़ तोड़ते जा रहे हैं ताकि हमको बहुत डीप में मिले क्योंकि आपको तो पता है हम एवरेज बच्चे हैं यस yes ऑनो नो no? अपन एवरेज बच्चे हैं यस yes. आ जाते हैं आगे रेट स्पेसिफाइड इन एनुअल फाइनेंस एक्ट तो अब से चालू हो रहा है आपका टैक्स कैलकुलेशन आई होप आप सभी लोगों ने कैलकुलेटर लाए होंगे रजिस्टर आप साथ साथ में चला रहे होंगे और अब से इस लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनना माइंड भी हो सकता है लेक्चर अभी तक आप फास्ट फॉरवर्ड में देख रहे होंगे अब मत देखना इसके आगे जब तक के टैक्स कैलकुलेशन का पूरा पार्ट ना हो जाए फास्ट फॉरवर्ड में लेक्चर मत देखना ठीक है मैक्सपीड वन रख लो तो बहुत हो गया रेट स्पेसिफाइड इन एनुअल फाइनेंस एक्ट आप लोगों ने अभी तक सिर्फ सुना है कि साहब टैक्स रेट होता है टैक्स कंप्यूट किया जाता है आज से आप एक्चुअली मेरे साथ टैक्स कंप्यूट करेंगे एक कैलकुलेटर अपने साथ रख लीजिए और बस शुरू पढ़ते हैं रेट स्पेसिफाइड इन एनुअल फाइनेंस एक्ट यहां से चालू होती है एक स्टोरी स्टोरी मीन्स रेट हमें कैसे पता चलेगा सर रेट क्या है आज तो आप हमें पढ़ा दोगे सीए बनने के बाद हमें कैसे पता चलेगा प्रोफेशनल बनने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि रेट कहां लिखे होते हैं हर साल जब बजट आता है इसके साथ फाइनेंस बिल आता है इस फाइनेंस बिल के फर्स्ट पार्ट के अंदर में ही आपको रेट मिल जाता है जैसे ही आपका फाइनेंस बिल शुरू होता है यहां पे हर व्यक्ति के लिए रेट ऑफ टैक्स लिखा हुआ होता है यह हर साल बदल सकता है या सेम भी रह सकता है गेटिंग इट और नॉट इसका डिसीजन फाइनेंस मिनिस्टर करता है तो वो हमारा टेंशन लेने की बात है ही नहीं रेट दो प्रकार के होते हैं पेज नंबर नाइन पे आइए एवरीबॉडी कम टू पेज नंबर नाइन रेट दो प्रकार के होते हैं एक होता है नॉर्मल रेट एक होता है स्पेशल रेट एक होता है नॉर्मल रेट एक होता है स्पेशल रेट जरा ध्यान से सुनिए अगेन ये बड़ा होकर एमसीक्यू बनेगा नॉर्मल रेट जो होते हैं वो रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट में लिखे हुए होते हैं नॉर्मल रेट जो होते हैं ये रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट में लिखे हुए होते हैं स्पेशल रेट जो होते हैं ये इनकम टैक्स एक्ट में लिखे हुए होते हैं ये बड़ा होके एमसी क्यू बनेगा ये बड़ा होके एमसी क्यू बनेगा एमसी क्यू किस तरह से पूछा जा सकता है आपको द स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम टैक्स आर स्पेसिफाइड इन फाइनेंस एक्ट इनकम टैक्स एक्ट लेट्स से फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट नन ऑफ द अबाव स्पेशल रेट इनकम टैक्स आपको सिलेक्ट करना है गेटिंग इट और नॉट आइए रेट दो प्रकार के होते हैं एक नॉर्मल रेट दूसरा स्पेशल रेट आपको मैंने यह भी बता दिया है कि जब हम टैक्स निकालते हैं हम टैक्स नहीं सरचार्ज और सेस के बारे में भी बात करते हैं ठीक है तो अब हमें क्या चाहिए अगर किसी ने सिंगल पेज होगा अभी हमें चाहिए कंप्लीट डबल पेज पेज तेड़ा करके भी काम नहीं चलेगा कंप्लीट डबल पेज चाहिए अगर किसी का एक पेज रह रहा होगा उसमें कुछ पेज लिखना बाकी होगा डोंट वरी मैं लिखा दूंगा पर कंजूसाई मत करना मुझे चाहिए कंप्लीट डबल पेज क्या चाहिए कंप्लीट डबल पेज एवरीबॉडी हम एक चार्ट बना रहे हैं टैक्स रेट फॉर इंडिविजुअल्स बराबर है उस डबल पेज को तीन पार्ट में डिवाइड करो एक बनाओ लेफ्ट में एक बनाओ ऑलमोस्ट मिडल में एक बनाओ राइट right साइड वाली पेज में इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए मेरी बात सुन लो एक ऐसा चार्ट बना के दूंगा कि तुम्हारे को मजा आ जाएगा तुम्हारे को बुक्स पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज्यादा फॉर इंडिविजुअल रेसिडेंट बिलो सिक्सटी ईयर्स Non resident irrespective of age HUF AOP BOI AJP. For individual resident sixty or above up to eighty years. For individual रेसिडेंट 80 और अबाफ ड सबसे पहले आपने एक डबल पेज लिया डबल पेज पे एक चार्ट बना लिया मैंने लिया, आपको डबल पेज लेने बोला है सामने का पेज कुछ भी है तो, worry, मैं उसमें कोई बात नहीं है ठीक है इंडिविजुअल अथॉरिटी एजेपी उनमें से आप देख सकते हो यहां पे हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं एजेपी की बात कर रहे हैं मतलब हम किसको छोड़ रहे हैं फॉर्म को छोड़ रहे हैं कंपनी को छोड़ रहे हैं लोकल अथॉरिटी को छोड़ रहे हैं इन तीनों को बाजू करके हम बाकी सबका छोटे छोटे फॉर्म में लिखना अच्छे से लिखना जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे लिखना यहां हमें थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा क्योंकि आप पहली बार जिंदगी में टैक्स पढ़ रहे हैं तो ऐसा कुछ मिस नहीं होना चाहिए प्रभु ठीक है पहला फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल बिलो सिक्सटी सर डॉट सिक्सटी राह तो कई लोग रहते जिनको डॉट पसंद है सर डॉट सिक्सटी राह तो सेकेंड वाले पार्ट में आ जाएगा फॉर इंडिविजुअल रेसिडेंट बिलो सिक्सटी वो इंडिविजुअल जो इंडिया में रेसिडेंट भी है और जिसकी एज सिक्सटी से कम है नॉन रेसिडेंट ऑफ एज नॉन रेसिडेंट की एज नाइंटी ईयर हुई तो भी वो यही आएगा इर रिस्पेक्टिव ऑफ एज एच यूएफ एओपी बी आई एजेपी एच यूएफ एओपी बी आई एजेपी बाकी सब इधर आ गए ठीक है सर इस पे हमें सब्सटेंशियल टाइम डालना है क्योंकि आपको ये एक बार जम गया तो बाकी सब बहुत चिल्लर है पहले पार्ट में आ जाए इनकम रेट शॉर्टकट पहले वाले पार्ट में आ जाए इनकम रेट शॉर्टकट अप टू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड नील टू लैख फिफ्टी थाउजेंड टू फाइव लैख टेन परसेंट शॉर्टकट ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड फाइव लैख टू टेन लैख ट्वेंटी परसेंट एक लाख बारह हजार पांच सौ अबउ टेन लैख थर्टी परसेंट डैश डन सर आ जाइए एक इंडिविजुअल जो रेसिडेंट है जिसकी उम्र 60 साल के ऊपर नहीं है नॉन रेसिडेंट कोई भी एज हो उसकी मैटर एओपी एजेपी इनकम इनकम सर कौन सी इनकम की बात कर रहे हैं अब मैं मेरे बच्चे से पूछना चाहूंगा कमेंट करके मुझे बताएं क्या हम ग्रॉस टोटल इनकम की बात कर रहे होंगे टैक्स निकालते वक्त या टोटल इनकम की बात कर रहे होंगे अब मुझे आपके कमेंट चाहिए क्या हम ग्रॉस टोटल इनकम की बात कर रहे होंगे या टोटल इनकम की बात कर रहे होंगे जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए जल्दी बताओ साहब एक जवाब आया आयान शाह का ग्रॉस टोटल इनकम की बात कर रहे हैं हम अच्छा आर्यन आपने बेटा पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं जाके पहले के लेक्चर देख के आओ बाकी उमंग से लेके रजनी तक पारुल से लेके हर्षा तक प्रिंकल से लेके सत्यम तक सभी लोगों ने एकदम सही जवाब दिया हम यहां पे बात कर रहे होंगे टोटल इनकम की समझ में आई बान मुझके मैंने नहीं लिखाया आई होप आपको पता चला क्यों टोटल इनकम मतलब क्या पांचों हेड की इनकम को जोड़ेंगे सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पीजीपीपी कैपिटल इन अदर सोर्सेस इसमें से डिडक्शन माइनस करेंगे जो बचेगा वो होगा टोटल इनकम हम टोटल इनकम पे टैक्स निकालेंगे टोटल इनकम एक महीने की नाम उन्ना ना मुन्ना प्रीवियस ईयर में आपने जितनी इनकम कमाई होगी प्रीवियस ईयर में आपने जितनी इनकम कमाई होगी साल भर की इनकम अगर अपटू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड है कितनी है बेटा अपटू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड है तो ऐसे केसेस में आपको कोई टैक्स नहीं देना अगर आपकी साल भर की इनकम अज्यूम योर सेल्फ अज्यूम योर डैड साल भर की इनकम अगर दो लाख पचास हजार रुपए तक है आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है भारत सरकार को अरे वाह साल भर की टोटल इनकम ठीक है यहां तक के पॉइंट क्लियर है ओके इन रेट्स को कहा जाता है स्लैब रेट जब आप ऑफिस में जाएंगे आर्टिकलशिप में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि इनको स्लैब रेट कहा जाता है कौन सा रेट कहा जाता है स्लैब रेट कहा जाता है स्लैब रेट के अंदर में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वो स्लैब मतलब क्या जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है अप टू सर्टन इनकम देर इज नो टैक्स बट एक लेवल के ऊपर अगर आपकी इनकम गई तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन चालू हो जाता है और यहां पे आपको एक सर्टन टैक्स रेट देना होता है सो so, हम दूसरे लिमिट में आते हैं जहां आपकी इनकम दो लाख पचास हजार से ऊपर गई पांच लाख तक टू फाइव लैख टैक्स रेट इज टेन परसेंट एक मिनट यहां हमें यहां हमें एक चेंज करना है ये टेन परसेंट हुआ करता था इसे फाइव परसेंट कीजिए इसे फाइव परसेंट कीजिए अब वापस से देखिएगा अप टू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड देर इज नो टैक्स टू लैख फिफ्टी थाउजेंड से फाइव लैख फाइव परसेंट एक टाइम था जब टेन परसेंट हुआ करता था 2019 से ही इसे पांच परसेंट ला दिया गया चेंजेस ला दिए गए और अब टैक्स रेट है पांच परसेंट अब टैक्स रेट क्या कितना है बेटा पांच परसेंट तो अब जरा बात को ध्यान से सुनिएगा जहां आपकी इनकम दो लाख पचास हजार से ऊपर गई टू फाइव लैख ये फाइव परसेंट हो जाएगा आपका जो डबल पेज है इसको आगे बढ़ाइए और उसके आगे वाले पेज पर पे हमें क्या करना है प्रॉब्लम्स लिखने हैं एक, एक करके सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर वन ओनली टैक्स सभी लोग मेरे साथ एग्जाम्पल भी मैंडेटरीली लिखेंगे ठीक है सबसे पहले अज्यूम योर टोटल इनकम सीधा जो आपने डबल पेज बनाया इसके आगे वाले पेज पे जाइए पीछे का एक पेज ब्लैंक छोड़ दीजिए उसके आगे वाले पेज पे जाइए टोटल इनकम लेट से टू लैख फोर्टी थाउजेंड रुपीज मुझे बताइए इसका टैक्स क्या होगा जल्दी बताइएगा मुझे बताइए इसका टैक्स क्या होगा एकदम सही जवाब इसका टैक्स होगा नील क्योंकि आपकी ओवरऑल इनकम दो लाख पचास हजार से ऊपर गई ही नहीं अगर आपकी टोटल इनकम लेट से तीन लाख रुपए होती है अगर आपकी टोटल इनकम लेट से तीन लाख रुपए होती है अब बताइए टैक्स कितना होगा नए टैक्स रेट के हिसाब से अब बताइए टैक्स रेट कितना होगा क्विक एनी गैसेस टैक्स कितना होगा एक जवाब पंद्रह हजार एक जवाब दो हजार पांच सौ देखा हिला डाला ना इनकम टैक्स ने पंद्रह हजार दो हजार पांच सौ दो हजार पांच सौ पंद्रह हजार दो हजार पांच सौ मैं आपको बताता हूं अभी अभी मैंने आपसे कहा कि ये स्लैब रेट है टू अ पर्टिकुलर लिमिट इस पर कोई टैक्स नहीं लगता जिसका मतलब यह है इसमें से सबसे पहले टू लैख फिफ्टी थाउजेंड माइनस किया जाएगा जिसे हम कहते हैं बेसिक एग्जम्शन लिमिट क्या कहते हैं बोलो बेटा इसे बेसिक एग्जाम लिमिट ये वो लिमिट है जहां तक आपका टैक्स रेट लगेगा कितना परसेंट बेटा पांच परसेंट so, सो ले लो फिफ्टी थाउजेंड इंटू पांच परसेंट आपका टैक्स आ गया मालिक दो हजार पांच सौ रुपए बहुत हार्ड बहुत हार्ड इनकम टैक्स मालिक बहुत हार्ड जो पंद्रह हजार वाले थे वो क्या कर रहे थे पता है डायरेक्ट तीन लाख ,00 के ऊपर पांच परसेंट निकाल रहे थे जो गलत है अप टू लैख्टी थाउजेंड देर इज नो टैक्स तो आपकी जब भी इनकम निकलेगी आप इसमें से हटा सकते हैं अपटू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज चलिए एक और एग्जाम्पल ले और एक छोटा सा एग्जाम्पल सभी को आए उस हिसाब से चलिए आइए छोटा सा एग्जाम्पल आपकी टोटल इनकम अज्यूम करते हैं फोर लाख रुपीज आपकी टोटल इनकम अज्यूम करते हैं फोर लाख रुपीज जल्दी से बताइए टैक्स क्या होगा चलो बेटा के डब्ल्यू आईसी के क्विक जल्दी से बताइए टैक्स क्या होगा मैं बहुत स्लो जा रहा हूं जानबूझ के स्लो जा रहा हूं क्योंकि आप पहली बार टैक्स पढ़ रहे हैं एक जवाब सात हजार पांच सौ रुपए एक जवाब सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज वेरी गुड बच्चा बहुत सही जा रहे हो बहुत सही जा रहे हो बेटा बहुत बढ़िया बेटा वेरी गुड वेरी गुड आप सभी के जवाब बिल्कुल करेक्ट है कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें से हम सबसे पहले क्या माइनस करेंगे टू लैख फिफ्टी थाउजेंड बताओ कानूनी भाषा में इसे क्या कहा जाता है बेसिक एग्जम्शन लिमिट बहुत शानदार बेटा बहुत शानदार सही जा रहे हो बराबर है बैलेंस कितना बचा वन लाख फिफ्टी थाउजेंड इसे क्या बोलोगे बैलेंस इसके नीचे क्या लिखोगे टैक्स रेट बिल्कुल एक एक शब्द प्रॉपर लिखने हैं इसमें कोई काट कसर नहीं करनी एक एक शब्द प्रॉपर लिखना है टोटल इनकम में से बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट माइनस किया बैलेंस बचा सो चार लाख में से दो लाख पचास हजार गए बचा बैलेंस इस पे पांच परसेंट आपका टैक्स आ गया सेवन इसे लिखोगे टैक्स लाइबिलिटी वर्ड पूरे लिखना बेटा नहीं तो तुमने अधूरा लिखा वो भी अधूरे लिखेंगे अधूरे मार्क्स देंगे तुम कुछ अधूरे से वो कुछ अधूरे से ये तकलीफ हो जाएगी तो आपने भी पूरा लिखना एक एक वर्ड लिखना वर्ड देख लो क्या लिखा जाता है टोटल इनकम में से बेसिक लिमिट माइनस करना अच्छा कुछ और हैबिट लगाओ जहां पे भी अमाउंट लिखते हो इसके ऊपर रुपीज बाय डिफॉल्ट में, में मेरे बोले बगैर लिख देना मैं नहीं लिखूं तो भी तुम्हें लिखना है डन प्रभु बहुत सही अब आया मजा चलो बधाई हो स्वागत है आपका इस वर्ल्ड में टैक्स के वर्ल्ड में पहली बार तुमने टैक्स कैलकुलेट किया है जो बहुत हार्ड था साहब ये तो अभी शुरुआत हुई है आइए इधर टू लाख फिफ्टी थाउजेंड से फाइव लाख रुपीज तक के पांच परसेंट का टैक्स रेट है और बाजू में मैंने शॉर्टकट बना के दिया है ये शॉर्टकट आपका बड़ा टाइम सेव करेगा मैं बताऊंगा कैसे छोटा सा एग्जाम्पल अब जरा कैलकुलेटर पे सॉल्व मत कीजिए कैलकुलेटर पे पांच लाख रुपए के ऊपर का टैक्स निकाल के दिखाइए कैलकुलेटर पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पांच लाख रुपए के ऊपर का टैक्स निकाल के दिखाइए जल्दी से क्या करोगे तुम फाइव लाख रुपीज माइनस टू लाख फिफ्टी थाउजेंड इंटू फाइव परसेंट स्ट्रेट अवे आंसर क्या आया ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड बराबर है यानी आंधी आए तूफा आए या अंबर फट जाए आंधी आए, तूफा या अंबर फट जाए, क्या तुम्हारे माइंड में ये फिक्स फिगर निकला तो पांच लाख तक का शॉर्टकट टैक्स तुमको वैसे भी पता रहेगा आई होप येट से छह लाख रुपए पे तुमको टैक्स निकालने बोला तो मेरा बच्चा इसे बहुत क्विक कैसे कर सकता है छह लाख में से पांच लाख तक का टैक्स कितना आएगा बारह हजार पांच सौ पांच लाख के ऊपर एक लाख पे टैक्स कितना बनेगा बीस परसेंट क्योंकि पांच लाख से दस लाख तक का रेट कितना है बीस परसेंट बचे हुए एक लाख पे बीस परसेंट ले लेना पहले के पांच लाख तक का टैक्स प्लस बचे हुए बैलेंस के ऊपर टैक्स आपका टोटल टैक्स बहुत क्विकली निकल सकता है करेंगे इसके ऊपर भी डिस्कस पर एक बात दिमाग में आप सब बच्चा सेट कर ले पांच लाख रुपए तक के अमाउंट पे टैक्स कितना आएगा बारह हजार पांच सौ रुपए साल भर का टैक्स कितना आएगा बेटा बारह हजार पांच सौ रुपए साल भर का टैक्स क्लियर है मालिक ओके okay. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्या हम टैक्स में सिर्फ टैक्स कंसिडर करते हैं आंसर इज नो क्या हम टैक्स में सिर्फ टैक्स कंसिडर करते हैं आंसर इज नो अब आइए ये जो पेज है इस पेज पे वापस आइए ये जो आपने डबल पेज निकाला होगा इस पेज के ऊपर वापस आइए अब हमें नोट लिखनी है कुल मिलाकर के छे नोट बनेगी ध्यान से सुनिए कुल मिलाकर के छे नोट बनेगी जिसे आप क्या लिखेंगे आपके लेफ्ट का पेज नीचे का पूरा खाली है राइट का पेज आपका नीचे का पूरा खाली है इस चार्ट के नीचे पॉसिबल है तो दो नोट तीन नोट इधर दो नोट तीन नोट इधर या पीछे भी एक पेज आपने खाली छोड़ा है वहां पे भी आप ये नोट लिख सकते हो क्लियर है कुल मिला के छह नोट है अपनी हैंडराइटिंग के हिसाब से अप्रोप्रिएटली एडजस्ट कर लेना मैं सबसे पहली नोट निकाल रहा हूं यहां पे नीचे लिखिए माई नोट सबसे पहले लेफ्ट पेज पे आप लिख सकते हो माइनोट नंबर वन रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए एक लिपस्टिक लेना लिपस्टिक यहां पे लगा देना रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए चलिए रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए अब ये रिबेट मतलब क्या होता है आपके मन में, में तो पहला सवाल आएगा रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट डिस्काउंट काय से डिस्काउंट फ्रॉम टैक्स डिस्काउंट डिस्काउंट काय से डिस्काउंट फ्रॉम टैक्स देखिए हो क्या रहा था जिसके कारण ये आया उसके पीछे की हिस्ट्री समझ लीजिए आपको वैसे भी मजा आ जाएगा पिछले तीन सालों से यह उम्मीद की जा रही है कि यह जो बेसिक एग्जाम्शन लिमिट है ना ढाई लाख रुपए का इसे पांच लाख पर लेकर के आया जाए हर बार जब बजट बनता है लोगों की यही डिमांड रहती है कि जो आपका बेसिक एग्जाम्शन लिमिट है इसे बढ़ा दो बेसिक एक्सम्शन लिमिट है इसे बढ़ा दो कई लोगों ने यह सवाल पूछा कि बेसिक एग्जाम्शन लिमिट सेट कैसे होता है इस बात का जवाब मैं आप लोग को दे दू आज अगर आप कोई भी सिटी के अंदर में रहते हैं बीस हजार पर मंथ एक आम आदमी का बेसिक खर्चा है उसका रेंट पकड़ लीजिए उसके घर का किराना पकड़ लीजिए दवा दारू पकड़ लीजिए सारी चीज भी अगर पकड़ ली तो एक नॉर्मल से नॉर्मल लिविंग के लिए बीस हजार रुपए पर मंथ का खर्चा आ ही जाता है ट्वेंटी थाउजेंड इंटू ट्वेल्व करोगे तो साहब आ जाता है दो लाख चालीस हजार रुपए बराबर है दो लाख चालीस हजार रुपए दस हजार रुपए एडिशनल खर्चे कोई आया गया आप कहीं घूमने गए सो ऑन एंड सो फोर्थ उसके लिए रखे गए हैं इस तरह से सरकार ने कुल मिलाकर के बेसिक एग्जामेशन लिमिट ढाई लाख रुपए सेट करी लेकिन आपको भी पता है महंगाई बढ़ रही है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और ढाई लाख रुपए के ऊपर अगर टैक्स देना रहा तो असि कहेगा कि पहले मैं मेरा घर चलाऊ कि पहले मैं टैक्स दू इस बात पे क्वेश्चन होंगे और अवैसी बात है कि टैक्स प्लानिंग होगी इसी के लिए सरकार ने इस बात को कंसिडर किया उन्होंने बेसिक एग्जामेशन लिमिट को नहीं बढ़ाया उन्होंने बेसिक एग्जामिशन लिमिट को नहीं बढ़ाया इंस्टेड आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो अगर कुछ कंडीशन होती है तो आपको क्या प्रोवाइड कर दिया रिबेट दे दिया वो कंडीशन क्या है कंडीशन हमें समझनी पड़ेगी क्या हर व्यक्ति को रिबेट मिलता है आंसर इज नो टेक अ डिफरेंट कलर पेन टेक अ डिफरेंट कलर पेन आपको अगर ये पढ़ना है पेज नंबर 11 पे भी ये लिखा हुआ है Assessi should be individual. He must be resident. Total income Normal plus special does not exceed five lakhs does not exceed 5 lakhs rebate is equal to lower of point number a 100% of tax point number b rupees 12500 assessee must be individual एक लिपस्टिक हाथ में ही रखना बेटा हम लोग कॉमर्स वाले हैं लिपस्टिक का मतलब हाइलाइटर होता है हमारी जिंदगी में बाकी तैयार सजने संवरने के तो मौके ही नहीं देती जिंदगी मस्ट बी इंडिविजुअल ही मस्ट बी रेसिडेंट टोटल इनकम डज नॉट नॉट ये नॉट बड़ा हॉट है बेटा ड नॉट एक्सीड फाइव लैक तो रिबेट होगा लोअर ऑफ हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स और ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड डन प्रभु आइए ध्यान से सुनते हैं रिबेट मतलब डिस्काउंट फ्रॉम टैक्स लेकिन यह डिस्काउंट किसे दिया गया सिर्फ इंडिविजुअल को पूछो ना क्यों अरे भैया घर बार बीवी बच्चे ये सिर्फ इंडिविजुअल के ही होते हैं फर्म कंपनी ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है इनके कोई महीने के खर्चे नहीं होते हेंस ये डिस्काउंट सिर्फ इंडिविजुअल को दिया गया किसी और को नहीं दिया गया ये है इसके पीछे का प्योर लॉजिक ये yes ऑनो no? तो ये सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा रिबेट और किसी एसएससी को मिलने वाला नहीं है हेंस जब भी आप टैक्स निकाले पहले ये देखें कि एसएससी कौन है इसलिए आपको डिसीजन मेकिंग करनी होगी कि क्या इसे रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा दूसरा यह सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट के लिए दिया गया है क्योंकि यह जो सोच है बेसिक एक्सम्शन लिमिट के लिए ये सिर्फ हमने रेसिडेंट के लिए रखी है नॉन रेसिडेंट से हमें क्या लेन देन है वो इंडिया में आके टैक्स कमा रहा है इंडिया में आके इनकम कमा रहा है हम उसे कोई रिबेट नहीं देंगे सो अस इंडिविजुअल होना चाहिए रेसिडेंट होना चाहिए जब आप टैक्स निकाले ये दो बातों को जरा ध्यान से देखिए क्या अससी इंडिविजुअल है क्या वो रेसिडेंट है अगर हाँ तो तीसरा फैक्टर ढूंढिए तीसरा फैक्टर ढूंढिए उसकी टोटल इनकम टोटल इनकम टोटल इनकम नॉर्मल प्लस स्पेशल टोटल इनकम पांच लाख रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए टोटल इनकम साल भर की पांच लाख रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए हम भी वही ब्रैकेट डिस्कस कर रहे हैं से पांच लाख टोटल इनकम पांच लाख से ऊपर अगर नहीं है तो उसे रिबेट मिलेगा रिबेट कितना लोअर ऑफ ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज और हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स भारत सरकार ने बड़ा दिमाग वाला काम किया उन्होंने रिबेट बढ़ा दिया हमें देना था जो भारत में रह रहे भारत में कमा रहे हैं इसलिए उन्होंने दिमाग लगाया बेसिक स्लैब लिमिट दो लाख पचास हजार रुपए रखा और रेसिडेंट के लिए रिबेट बढ़ा करके रख दिया अगर आप फाइनेंस एक्ट दो देखोगे तो रिबेट कम था, था, था।, था।, था, था।, था इस साल फाइनेंस एक्ट 2020 में रिबेट को बढ़ा दिया गया है राइट right? सो so, अब आते हैं यहां पे लिखते हैं एग्जाम्पल टू यहां पे लिखिए एग्जाम्पल टू वापस से आइए जहां पे आपने एग्जाम्पल वन लिखा था उसके बाद लिखिए एग्जाम्पल टू टैक्स एंड रिबेट मैं धीरे धीरे जा रहा हूं हॉले हॉले जा रहा हूं ये समझते हुए जा रहा हूं कि तुमको आता ही नहीं है टैक्स ठीक है बट अगर इस स्पीड में जाओगे तो मेरे साथ बड़ा मजा आएगा साहब अस अज्यूम योर टोटल इनकम इज टू लैक फोर्टी थाउजेंड रुपीज बताइए क्या कोई टैक्स आने वाला है नील क्या कोई रिबेट आएगा जब टैक्स नील है तो रिबेट भी नील होगा डिस्काउंट ही नहीं मिलने वाला ऐसा नहीं होगा कि आपका टैक्स न ले चलो रिबेट ले लेते हैं रिफंड आ जाएगा बारह हजार पांच सौ रुपए ऐसा नहीं हो सकता रिबेट टैक्स में से मिलता है अगर टैक्स से निल होगा तो रिबेट नहीं मिल सकता इस बात को दिमाग में रखना जरूरी है इसलिए ये एग्जाम्पल लिया आगे बढ़ते हैं आपकी टोटल इनकम मान लेते हैं चार लाख पचास हजार रुपए फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज आपकी टोटल इनकम मान लेते हैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है सबसे पहले क्या निकाले टैक्स निकाले बताओ कैसे टैक्स निकालोगे एग्जाम्पल नंबर वन में आपके भाई ने सिखाया है कैसे निकालते सबसे पहले मुझे याद नहीं आ रहा इसमें से क्या माइनस करूं काश मुझे याद इसमें से क्या माइनस करना है अरे वो माइनस करते ना वो 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 जो हर एक को मिलता है वो 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 जो हर एक को मिलता है अरे यार तुम बहुत आगे बढ़ गए तुमने डायरेक्ट टैक्स निकाल दिया मैं कह रहा हूं पहले मुझे समझाओ तो सर क्या माइनस करते हैं वो होता है ना कुछ वो अरे वो अरे वो जो इंडिविजुअल को भी मिलता है नॉन रेसिडेंट को भी मिलता है एचयूएफ एओपी बीवाई एजेपी को भी मिलता है अरे वो क्या बोलते हैं उसको टेक्निकल नाम याद नहीं आ रहा मेरे कोई टेक्निकल नाम तो सजेस्ट कर दो हाँ मेरे भाई ने जय राठी ने बोला भाई बेसिक एग्जामेशन लिमिट इसमें से सबसे पहले माइनस करेंगे बेसिक एग्जामेशन लिमिट हर बच्चा पूरा लिखेगा पूरा वर्ड लिखेंगे शॉर्टकट नहीं मारना तुमने इधर शॉर्ट किया आईसीएआई ने आईसीएम में आई ने उधर शॉर्ट कर दिया समझ लेना बात को साहब चार लाख पचास हजार में से दो पचास माइनस कर दिए टू लाख बचा पूरा एक एक वर्ड लिखो मुझे कोई जल्दी आंसर की जरूरत नहीं है धीरे जाएंगे आराम से जाएंगे इस पे टैक्स रेट कितना है मेरी टोटल इनकम पांच लाख के ऊपर नहीं है तो मेरा टैक्स रेट होगा पांच परसेंट ठीक है मेरे भाई पांच परसेंट सभी लोगों ने जवाब तो ऑलमोस्ट सही निकाला होगा मेरी टैक्स लाइबिलिटी कितने की निकली मालिक दस हजार रुपए की अब मुझे बताइए क्या मेरा टोटल इनकम अज्यूमिंग इंडिविजुअल ही इज रेसिडेंट टोटल इनकम पांच लाख के ऊपर जा रही है आंसर इज इस नो इसमें से क्या माइनस करेंगे इसमें से माइनस करेंगे साहब रिबेट कौन से सेक्शन में 87 ए अज्यूमिंग ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाइड कितना माइनस करोगे लोअर ऑफ पॉइंट नंबर ए हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स कितना आया टेन थाउजेंड बी बी रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब बताओ दोनों में से लोअर क्या है दोनों में से लोअर क्या है टेन थाउजेंड ये रिबेट माइनस हो गया टेन थाउजेंड आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ गई नील बहुत हार्ड बेटा पहले स्टेप में मैंने तुझे सिर्फ टैक्स निकालना सिखाया दूसरे स्टेप में मैंने तुझे एक कदम और ऊपर बढ़ाया कि टैक्स के साथ रिबेट को कैसे इफेक्ट दिया जाता है ऐसे इफेक्ट दिया जाता है टैक्स लाइबिलिटी कितना आ गया निल आफ्टर रिबेट एक तरह से तुम ऐसा कहोगे कि रेसिडेंट के लिए पांच लाख तक कोई टैक्स नहीं मैं हा ही कहूंगा इस पर मैं इस पर क्या कहूंगा मैं इस पर हा ही कहूंगा एक और ट्राई करें प्लीज एक और पहली बार टैक्स पड़ रहे हो इसके लिए एक और ट्राई करें एक और प्लीज मेरे लिए चलिए टोटल इनकम आपकी कंसिडर कर लेते हैं लेट से पांच लाख रुपए चलो टैक्स निकालो एक एक वर्ड लिखते हुए बाकायदा लो ऐसा कुछ फॉर्मेट कर लो मुझे आंसर निकाल के दिखाओ हवा में जवाब मत दे पेपर पे सॉल्व करें मुझे कोई जल्दी जवाब नहीं चाहिए मैंने आपसे नहीं कहा जल्दी जवाब दे पेपर पे लिखो पूरा का पूरा वर्ड टू वर्ड जैसा सिखाया है एंड में जाओ एंड में जाके जो जवाब आएगा वो मेरे को दे देना वर्ड लिखो तुम सभी लोगों ने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया नलायक हो पाप लगेगा चुपचाप सॉल्व करो मुझे टैक्स लाइविलिटी चाहिए फाइनल टैक्स लाइबिलिटी पारुल बेटा आप टैक्स लाइबिलिटी निकाल रहे हो फाइनल टैक्स लाइबिलिटी चाहिए मुझे टैक्स पेबल रजनी ने निकाला है निल हर्षा ने निकाला है निल मैं आपको बता दूं आपने बिल्कुल सही काम किया है वेरी गुड आई एम डेढ़ किलो प्राउड ऑफ यू आज मुझे तुम पे डेढ़ किलो प्राउड है आज तुषार ने और निकुंज ने भी निकाला है ऋषि ने भी निकाला है बहुत बढ़िया बेटा आप लोगों के जवाब बिल्कुल सही है अब बताओ मुझे सिखाओ मुझे सिखाओ प्लीज मुझे नहीं आता मुझे सिखाओ इसमें से क्या माइनस करूं मैं क्या मैं माइनस करूं बेसिक एग्जामशन लिमिट मुझे आता नहीं बेटा प्लीज मेरी हेल्प करना मैं बड़ा नादान सा बच्चा हूं यस यहां तक के टैक्स कितना आया नील यहां बचा बैलेंस टू लैख फिफ्टी थाउजेंड इस पे टैक्स रेट लगा देते हैं साहब पांच परसेंट से ये आ गई आपकी टैक्स लाइबिलिटी एक एक वर्ड लिखो कहीं जल्दी नहीं जाना हमें इसमें से क्या माइनस करेंगे रिबेट माइनस करेंगे अंडर सेक्शन 87 ए पूरा 12,500 किसी को बताने की जरूरत तो नहीं है मुझे लोअर ऑफ टैक्स और 12,500 दोनों भी सेम ही आना है यहां पे भी क्या आएगा नील मेरी टोटल लाइबिलिटी क्या बन गई मेरी टोटल लाइबिलिटी भी बन गई नील तो आप सभी के जवाब बिल्कुल परफेक्ट निकले आंसर आया नील बहुत अच्छे बेटा आ रहा है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मजा आ रहा है टैक्स के अंदर में साहब क्या कर रहे हो तुम यही करना है तुम वो जीवन में यही करते हैं हम टैक्स निकालते वक्त हां बट कुछ और चीजें सीखनी बाकी है बट एक एक स्टेप जाएंगे आराम से जाएंगे मजा आ रहा है तो आगे बोलो साहब यानी अब मैं आपसे जो कह रहा था थोड़ी देर पहले पांच कि पांच लाख तक के अगर टैक्स नील होगा तो आप समझ गए क्यों नील होगा क्योंकि आपको रिबेट मिल जाता है टेक्निकली तो रेसिडेंट एस के लिए पांच लाख तक के बाई डिफॉल्ट में टैक्स नहीं है लेकिन बेसिक लिमिट लाख का ही है रिबेट के कारण टैक्स नील हो जाता है किसके कारण टैक्स नील हो जाता है रिबेट के कारण टैक्स नील हो जाता है डन सर इधर आए वापस से इस चार्ट पे आओ हमें दस बार आज इस चार्ट पे आना है वापस से इस चार्ट पे आओ हमने सबसे पहले टैक्स सीखा टैक्स के अभी हम दूसरे स्टेज पे ही है हमने सबसे पहले टैक्स सीखा टैक्स में रिबेट नाम की चीज सीखी एक चीज हम रिबेट में लिखेंगे जिसका मतलब अभी आपको नहीं समझेगा मे भी आपको थोड़ी देर बाद या कल समझे बट लिख के रखेंगे अलग कलर का पेन ले लेना रिबेट इज नॉट अवेलेबल फॉर एल टी सी जी अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए ये बात लिख के रख लेना समझेगी नहीं आपको पर जैसा कि मैं आपको हर बार कहता हूं कि जब मैं आगे बताऊंगा तो उसको बहुत डिटेल में जाना होता है यहां पे भी आपको बताऊंगा सिर्फ लिख के रख लीजिए इस बात का मीनिंग अभी आपको नहीं समझेगा इसके लिए आपको कुछ और कंसेप्ट बिल्ड करने पड़ेंगे तो यहां तक के टैक्स और रिबेट नाम की चीज हम लोगों ने सीख ली अब आती है दूसरी चीज के सर क्या टैक्स में सिर्फ टैक्स होता है नहीं बेटा रिबेट भी होता है और भी कुछ होता है सेस आइए नोट नंबर टू पे चलते हैं नोट नंबर टू इसी चार्ट के नीचे पहला नोट था रिबेट और दूसरा है सेस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जिसे हम प्यार से कहते हैं एच ई सी इसकी हिस्ट्री आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि एच ई सी है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है सेस स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है भारत सरकार करंटली मोदी गवर्नमेंट का पर्पस दो है हेल्थ और एजुकेशन सर्व शिक्षा अभियान नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो पैसे ले रहे हैं हम लोग वो इसके लिए यूज हो रहे हैं साहब वो किसके लिए यूज हो रहे हैं इसके लिए यूज हो रहे हैं सेस कितने परसेंट पे है एट द रेट ऑफ फोर परसेंट आफ्टर द टैक्स और सरचार्ज दिस इज मैंडेटरी ध्यान से सुनिए सेस चार परसेंट होता है और यह मैंडेटरी होता है चार परसेंट किसका इनकम का नहीं टैक्स का चार परसेंट टैक्स का चार परसेंट होता है सेस यह मैंडेटरी है प्रॉब्लम में बोला हो नहीं बोला हो जब आपको टैक्स निकालने बोला सरचार्ज जुड़ के आएगा जब आपको टैक्स निकालने बोला सरचार्ज कैसे आएगा बेटा जुड़ के आएगा चार परसेंट समझ मेंसेंट किस का चार परसेंट टैक्स का या सरचार्ज का मैंडेटरी है, राइट आइए एग्जाम्पल नंबर थ्री एग्जाम्पल नंबर थ्री वापस से आगे आओ आगे के पेजेस पे आओ एग्जाम्पल नंबर थ्री टैक्स रिबेट सेस एटसेट्रा अब हम एक स्टेज और ऊपर बढ़े अब हम एक स्टेज और ऊपर बढ़े अज्यूमिंग असेसी एस नॉन रेसिडेंट अज्यूम करते हैं असेसी नॉन रेसिडेंट है क्योंकि रिबेट होगा तो वहां तक का एग्जाम्पल पहुंच नहीं पाएगा अज्यूम करते हैं असेसी नॉन रेसिडेंट है एससी की टोटल इनकम है टू लैख फोर्टी थाउजेंड रुपीज मुझे बताइए टैक्स कितना होगा अगेन निल क्योंकि नॉन रेसिडेंट इस्पेक्टिव ऑफ एज बेसिक एक्सम्शन लिमिट का बेनिफिट मिलेगा तो टैक्स बाय डिफॉल्ट में क्या आ जाना है नील आ जाना है ठीक है साहब दूसरा अज्यूम करते हैं कि इनकी टोटल इनकम है फोर लैख सिक्सटी थाउजेंड रुपीज करते हैं इनकी टोटल इनकम है फोर लैख सिक्सटी थाउजेंड रुपीज चलिए सभी लोग फटाफट मुझे टैक्स निकाल के दिखाएं सभी लोग फटाफट मुझे टैक्स निकाल के दिखाएं योर टाइम स्टार्ट नाउ हर्षा ने सबसे पहले जवाब दिया है दस हजार पांच सौ रुपए टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज द आंसर ऑफ हर्षा यू टेल मी व्हाट इज योर आंसर सो नेहा स्पेसिफाई इट्स नील नेहा प्लीज चेक योर आंसर अगेन प्रतीक्षा अनुजा सेस टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज पारुल ऋषि सेस टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड दिपाली प्लीज चेक योर आंसर अगेन सत्यम सेस टेन थाउजेंड नाइन ट्वेंटी रुपीज रजनी सेज टेन थाउजेंड नाइन ट्वेंटी रुपीज एडिंग सेस खुशबू से थाउजेंड नाइन ट्वेंटी वेल तुषार नील प्लीज चेक योर आंसर अगेन आप कुछ बेसिक गलती कर रहे हैं ओके सो लेट मी सॉल्व इट क्या बेसिक एग्जामिशन लिमिट का बेनिफिट मिलेगा असेसी नॉन रेसिडेंट रहे तो भी बेसिक एक्सम्शन लिमिट मिलता है बेसिक एग्जाम्शन लिमिट मिलता है टू लैख फिफ्टी था माइनस कर दिया यहां तक का टैक्स आ गया नील इसके आगे बचता है आपका बैलेंस आंसर सॉल्व करो तुम कैलकुलेटर पे करोगे बहुत से चांसेस है तुम गलत कर दो टू लैख टेन थाउजेंड आपका बैलेंस बच गया इस पे टैक्स रेट आ गया पांच परसेंट क्योंकि आपकी ओवरऑल इनकम पांच लाख से ऊपर नहीं जा रही है सो so, आपका टैक्स आ गया टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज यहां तक का टैक्स आ गया दूसरा मुझे बताइए यहां तक की आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी निकल गई यहां तक के आपका टैक्स लाइबिलिटी आ गया टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज डन साहब अब एक सवाल क्या रिबेट मिलेगा रिबेट अंडर सेक्शन एटी सेवन ए कुछ बच्चे जो आंसर नील कह रहे थे पता है आप गलती क्या कर रहे थे आपने रिबेट की बेसिक कंडीशन भूल गए शुड बी रेसिडेंट क्या ये रेसिडेंट के लिए सॉल्व कर रहे हो नहीं तो रिबेट मिलने वाला है ही नहीं आपकी इनकम कुछ भी हो ड मैटर नॉन रेसिडेंट के लिए रिबेट है ही नहीं समझ आया सबको गलती क्या हो रही थी ये गलती सुधार दो नजर हटी दुर्घटना घटी बेटा इनकम टैक्स के अंदर में एक पॉइंट भी आप मिस आउट नहीं कर सकते अब इसमें क्या ऐड करोगे एच ई सी अब भी तेरे मेरे बीच कुछ बाकी है कितना परसेंट चार परसेंट चार परसेंट किस का चार परसेंट टैक्स का तो टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इन टू फोर परसेंट कितना आया बेटा फोर ट्वेंटी रुपीज अब आपकी निकली टोटल टैक्स वन जीरो नाइन टू जीरो जिन जिन लोगों का भी जवाब आया है वन जीरो नाइन टू जीरो बधाई हो आप लोग जीत गए आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया साहब जिन जिन ने आंसर निकाला समझ में आया क्या मालिक ओ प्रभु यस सेस को कैसे इफेक्ट देते हैं यह समझ में आया आप सोचो हम लोगों ने क्या किया अब तक सबसे पहले मैंने आपको बेसिक क्लियर किया कि सेस नाम की कोई चीज होती है क्यों लाया जाता है कैसे लाया जाता है मैं चाहता पहले दिन तुम्हें टैक्स कैलकुलेशन के अंदर में लेके आ जाता लेकिन तुम्हें कुछ नहीं समझ आता आज जो तुम्हारा कंसेप्ट बिल्ड हुआ है ना ये ऐसा, ऐसा करते हैं और ऐसा क्यों करते हैं हम उसके पीछे तुम्हारे पास लॉजिक है इसीलिए कहता हूं पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो एक आध घंटा इधर उधर होगा लेकिन जो नॉलेज मिलेगा वो सब आपको बहुत मजा देगा आपको सेटिस्फैक्शन आएगा पढ़ने का सैटिस्फैक्शन आएगा और क्लास खत्म होने के बाद ये आया ना कि आज तो मां कसम मैंने आग लगा दी ये ये जो दीशन है ना ये मुझे चाहिए कि मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं लेक्चर में मैं सिर्फ आपको बेच नहीं रहा हूं हम एक रिलेशन बनाए नॉलेज का रिलेशन बनाए बहुत लंबा चलना है सीए फाइनल में दो सब्जेक्ट मुझे आपको खींचने हैं डायरेक्ट टैक्स खींचना है इंटरनेशनल टैक्स खींचना है आपको मैं यहां से अपना बनाऊंगा तब तो समझ आएगा ना बेटा आपको डन सर चलो आगे चलो बढ़िया तो साहब चलो सबको समझ आ रहा है ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है साहब बढ़ता हूं आगे एक प्रॉब्लम और लू एक एक आगे बढ़ाऊं कंसेप्ट को तो जल्दी बताओ एक प्रॉब्लम और लू या कंसेप्ट को आगे बढ़ाऊं जल्दी बताओ जल्दी जल्दी जवाब दो मुझे एक प्रॉब्लम और लू या कंसेप्ट को आगे बढ़ाऊं बस एक एक और ले लेता हूं एक बस और लास्ट मतलब मेरे को ज्यादा पढ़ाने की इच्छा नहीं है बट अगर तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं वन मोर प्रॉब्लम चलो बेटा अब तुम कह रहे हो इसलिए मेरी इच्छा नहीं है तुम कह रहे हो इसलिए मैं कभी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम नहीं लेता अब तक तो हमने वैसे भी देख लो तीन ही एग्जाम्पल पे आए हैं ये 3.1 3.2 है अब, 3 .3 पे आ जाओ. चलो, अब मैं तुम्हें टाइम लिमिट दूंगा बेटा यहां से टैक्स निकालने के लिए टोटल इनकम ऐसा बाहर जाके बोलना मत मैंने ज्यादा सॉल्व करा दिया बच्चे भरोसा कर लेंगे टोटल इनकम लेट से फोर लैख नाइनटी टू थाउजेंड रुपीज चलिए टैक्स निकालिए जल्दी से और एक एक वर्ड चाहिए मुझे आपको कुल मिलाकर के मैं मैक्स टाइम लिमिट देता हूं दो मिनट का पूरे एक एक वर्ड लिखना है फाइनल टैक्स लाइबिलिटी निकालना है अज्यूमिंग एसे नॉन रेसिडेंट थ्री पॉइंट थ्री एग्जाम्पल है साहब चलो के डब्ल्यू आई सी के क्विक जूमे एवरी थिंग इज नॉ एस ए सीजन रेसिडेंट बिल्कुल वैसे ही निकालो हम एग्जाम्पल नंबर थ्री में ही चल रहे हैं निकुंज साहब निकुंज का नाम क्या ले लिया फायर पे है निकुंज आज वन टू फाइव एट फोर वन टू फाइव एट फोर आई साहब सभी लोगों का एक ही जवाब आ रहा है पहली क्लास में तुम लोग साले एक ओहो साहब ज्योतिष कुमार ने अलग निकाल दिया है वन टू फाइव एट जीरो ऋषि ने ओहो साहब बहुत बढ़िया साडा हक ऐसे रख वाली बात हो गई है तो चलिए मोटे मोटे तौर पे सभी लोगों ने निकाल दिया आइए मैं भी निकाल देता हूं क्या माइनस करूंगा साहब माइनस कर रहा हूं मैं तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारे लिए बेसिक एडजम्पन लिमिट लो साहब मैंने माइनस कर दी टू लैख फिफ्टी थाउजेंड माइनस कर दिया यहां तक का कोई टैक्स नहीं बनना जिंदगी में इसके बाद आ गया हुआ अमाउंट फोर टू में से दो पचास माइनस कर लो ये आ गया 242 आपकी टोटल इनकम पाँच से ऊपर नहीं जा रही तो टैक्स रेट है पांच परसेंट का इस पांच परसेंट निकाल दो साहब आ गया बारह हजार एक सौ रुपए ये आया आपका टोटल टैक्स बारह हजार एक सौ रुपए इस पर चलो एक काम करता हूं रिबेट दे देता हूं हां चलो रिबेट दे देता हूं मैं रिबेट दूंगा एनी बडी है ना मुन्ना ना रिबेट नहीं मिलेगा सर क्यों अस एस नॉन रेसिडेंट है नहीं मिलेगा ओके इसमें क्या जोड़ेंगे एच ई सी जोड़ेंगे कितने परसेंट से चार परसेंट से बहुत बढ़िया साहब फोर एट फोर क्या निकली आपकी टैक्स लाइबिलिटी अच्छो टैक्स लाइबिलिटी आपकी निकल गई बारह हजार फाइव एटी फोर तुसी कमाल कर दिता साहब तुसी कमाल कर दिता मुझे डेढ़ किलो प्राउड हो गया बेटा तुम सब पे मजा आ गया साहब अब जो मैं आपको एक सिचुएशन समझाना चाहता हूं जिसके कारण कुछ क्वेश्चन आए एक सेक्शन आया ध्यान से सुनना, सुनना है एवरीबाड ध्यान से सुनना है यहां से अब हुआ ये कि आपको तो बताया मैं मैं इंसान अमीर हूं भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है मैं गया टैक्स देने के लिए टैक्स कितना आया समझ लो मेरा टैक्स आया बारह हजार पांच सौ रुपए ट्वेल्व थाउजेंड मेरा टैक्स आया ठीक है मैं टैक्स देने के लिए गया एक सवाल मैं टैक्स कहां पे करता हूं मुझे टैक्स पे करना है कहां जाऊं जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिए मुझे टैक्स पे करना है मैं कहां जाऊं ये बारह हजार अजूम दिस इज मनी बारह हजार पांच सौ चौरासी रुपए देना है कहां जाऊं मुझे टैक्स देना है कहां जाऊं मैं कहां देते हैं टैक्स मुझे नहीं पता ऑनलाइन आईटी रिटर्न अरे टैक्स देना है ये पैसा है कैश जमा करना है कहा जाऊं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीओ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बहुत बढ़िया बेटा रिटर्न में अरे ना लायक रिटर्न में टैक्स बताया जाता है कितना आता है इनकम टैक्स ऑफिस ओहो साहब सीए के पास जाओ टैक्स देने के लिए साहब रिस्पेक्ट सीए के पास जाओ बोले टैक्स देने के लिए बहुत बढ़िया साहब बहुत बढ़िया बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं हम टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नहीं बहुत बड़ा फर्क है ध्यान से सुनिए हम टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नहीं वेन यू नीड टू पे टैक्स यू नीड टू गो टू अ बैंक यस यू नीड टू गो टू अ बैंक आपको बैंक में जाना होता है और बैंक में आप टैक्स जमा कराते हो या फिर आज बैंक में हमें जाने की जरूरत नहीं होती हम ऑनलाइन अपना टैक्स पेमेंट कर देते हैं बट हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नहीं सो इफ वी नीड टू पे टैक्स हम बैंक में जाएंगे अब बैंक में जाते थे तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या आती थी ध्यान से सुनिए लॉ मेकर ने लॉ तो बना दिया कि टैक्स आपको लगाना है लेकिन प्रैक्टिकल डिफिकल्टी जब ये टैक्स आते थे ना बारह हजार पांच सौ चौरासी रुपए फाइव एटी फोर फाइव एटी टू तो फिर वहां पर झगड़े होते थे चिल्लर के लिए वहां झगड़े क्या होते थे चिल्लर के लिए झगड़े हो जाते थे अब ऐसे केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतनी चिल्लर का तो हिसाब रख नहीं सकता था कई बार टैक्स जो आता था ये पॉइंट में आता था दैट इज पैसे में आता है पैसे में आता है अब पैसे तो अब चलते नहीं तो करे कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस तकलीफ से लड़ने के लिए एक और सेक्शन लेकर के आया ध्यान से सुनिएगा अब हम जा रहे हैं नोट नंबर थ्री के ऊपर वापस से इस चार्ट के ऊपर आइए नोट नंबर थ्री के ऊपर जा रहे हैं कहां जा रहे हैं बेटा नोट नंबर थ्री के ऊपर जा रहे हैं राउंड ऑफ जरा ध्यान से सुनिएगा राउंड ऑफ इनकम टैक्स में एक सेक्शन ऐड किया गया सेक्शन ऐड किया गया 288 ए सेक्शन 288 एटी एट बी इनकम राउंड ऑफ टैक्स राउंड ऑफ इनकम टैक्स में ये चिल्लर की डिफिकल्टी आ रही थी बराबर है ये चिल्लर की डिफिकल्टी आ रही थी कि अब ये इतना चिल्लर का कौन हिसाब रखते बैठेगा इतने पैसों का हिसाब कौन रखते बैठेगा पूरा भारत 135 करोड़ की जनता टैक्स दे रही है समझ के भी अगर हम चलें ये भी अज्यूम कर लें कि एटलीस्ट सौ करोड़ तो लोग टैक्स दे ही रहे होंगे किसी ना किसी प्रकार से तो इतनी चिल्लर का हिसाब रखना बहुत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है भारत सरकार को एक सेक्शन लाना पड़ा टू एटी एट ए टू एटी एट बी टू एटी एट ए इनकम राउंड ऑफ करता है टू एटी एट बी टैक्स राउंड ऑफ करता है ये दोनों राउंड ऑफ करते हैं इन मल्टीपल ऑफ रूपीज टेन इनकम एंड टैक्स बोथ आर राउंडेड ऑफ इन मल्टीपल ऑफ रुपीज टेन अब आप ये पूछेंगे ये इन मल्टीपल ऑफ रुपीज टेन का क्या मतलब होता है सर मैं आपको बताता हूं इन मल्टीपल ऑफ रुपीज टेन का मतलब क्या होता है इन मल्टीपल ऑफ रुपीज टेन का मतलब होता है रूल ऑफ फाइव जैसे कि हम तीन एग्जाम्पल को एज्यूम करते हैं ट्वेंटी एट थ्री ट्वेंटी टू ट्वेंटी एट थ्री ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी एट थ्री ट्वेंटी नाइन लेट्स अज्यूम ये तीन फिगर है अब इसे कैसे राउंड ऑफ किया जाएगा सेक्शन 288 एटी एट ए टू बी दोनों कहते हैं आपको सबसे इंपॉर्टेंटली लास्ट फिगर पे फोकस करना है कौन सी फिगर पे फोकस करोगे लास्ट फिगर पे फोकस करना है लास्ट फिगर अगर अप टू फोर हुई वन टू थ्री या फोर लास्ट फिगर अगर अप टू फोर हुई तो लोअर साइड राउंड ऑफ कर दो पांच या पांच से ऊपर हुई तो हायर साइड राउंड ऑफ कर दो फॉर एग्जाम्पल इसकी लास्ट फिगर अप टू फोर है यस yes. इसे लोअर साइड राउंड ऑफ कर दो लास्ट फिगर सेकेंड केस में पांच या पांच से ऊपर है यस yes. इसे हायर साइड राउंड ऑफ कर दो सो लास्ट फिगर पे फोकस करो लास्ट फिगर अगर अप टू फोर है लोअर साइड राउंड ऑफ करो पांच या पांच से ऊपर है हायर साइड राउंड ऑफ कर दो और ये मैंडेटरी है ये क्या है बेटा मैंडेटरी है वापस से आओ एग्जाम्पल नंबर थ्री पॉइंट थ्री के ऊपर अभी वाले एग्जाम्पल के ऊपर अभी वाले एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से देखोगे टैक्स आया ट्वेल्व थाउजेंड फाइव एटी फोर आपको तुरंत इसके बाद बिना बोले इसे राउंड ऑफ कर देना है लास्ट फिगर अप टू फोर है फाइव पे राउंड ऑफ कर देना है इनकम टैक्स कहता है देखिए दस रुपए ना आपको बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा ना हमें बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा राउंड ऑफ करके दीजिए कैलकुलेशन इजी होता है राउंड ऑफ लास्ट फिगर अगर अप टू फोर है बिना बोले आपको राउंड ऑफ करना है सर अगर मैंने एग्जाम्पल में सिर्फ टैक्स लाइबिलिटी निकाली राउंड ऑफ नहीं किया क्या मेरे मार्क कटेंगे हां सर मार्क कटेंगे हां सर हां ये सेक्शन है बाकायदा 288 ए 288 बी करना ही पड़ेगा नो इफ नो बट ओनली कट टू कट आपको एक काम करना ही पड़ेगा समझ में आई बात सर तो फाइनल या तो आप ये जो टोटल इनकम है इसे राउंड ऑफ करना है आपको और सीधा टैक्स लाइबिलिटी को राउंड ऑफ करना है आपको बाकी बीच के किसी फिगर को आपको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है सीधा टोटल इनकम को राउंड ऑफ कीजिए फाइनल टैक्स लाइबिलिटी को राउंड ऑफ कीजिए बचे हुए बीच में किसी को राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं होती आइए इससे रिलेटेड कुछ पार्ट पढ़ते हैं पेज नंबर इलेवन पे आइए रिबेट नाम की चीज हमने पढ़नी है सबसे पहले तो इसका बेयर टैक्स पढ़ते हैं पेज नंबर इलेवन पे आइए अस must be इंडिविजुअल ही शुड बी रेसिडेंट टोटल इनकम नॉर्मल प्लस स्पेशल does एक्सीड फाइव लैख रुपीज टोटल इनकम नॉर्मल प्लस स्पेशल डज नॉट एक्सीड फाइव लैख रुपीज रिबेट इज ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड और हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स विच एवर इज लोअर रिबेट इज नॉट अवेलेबल फॉर टैक्स अंडर सेक्शन 112 ए पूरा पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया इंप्लीमेंट कैसे हुआ वो समझ में आ गया दूसरा नोट पढ़ा हमने सेस सेस इज एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ फोर परसेंट ऑन इनकम टैक्स एंड इट इज रीनेम्ड इट एस एच ई सी जिसको आप चाहें तो फुल फॉर्म यहां पर लिख सकते हैं हेल्थ एंड एडुकेशन सेस एक लाइन इसी के लिए खाली छोड़ी है मैंने डन सर आते हैं आगे तीसरा नोट राउंड ऑफ पेज नंबर ट्वेल्व पे आइए टू एटी एट ए टू एटी एट बी आइए द अमाउंट ऑफ टोटल इनकम टू एटी एट ए इनकम को राउंड ऑफ करता है टू एटी एट बी टैक्स पेबल या रिफंड ड्यू को राउंड ऑफ करता है द अमाउंट ऑफ टोटल इनकम वर्ड मेरे साथ पढ़िए द अमाउंट ऑफ टोटल इनकम कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ द एक्ट टोटल इनकम शैल बी राउंडेड ऑफ टू द मल्टीपल ऑफ रुपीज टेन ये बड़ा होकर के एमसीक्यू बनेगा यह बड़ा होकर क्या बनेगा साहब एमसीक्यू बनेगा सो टोटल इनकम शेल बी राउंडेड ऑफ इन मल्टीपल ऑफ रुपीज टेन एंड फॉर दिस पर एनी पार्ट ऑफ द रुपीज कंसिस्टिंग ऑफ पैसा शेल बी इग्नोर्ड एंड देयर आफ्टर इफ सच अमाउंट इज नॉट इन मल्टीपल ऑफ टेन देन द लास्ट फिगर इन दैट अमाउंट इज फाइव और मोर द अमाउंट शेल बी इंक्रीज टू द नेक्स्ट हायर अमाउंट

डन सर भूथ हार्ड ना बहुत हार्ड ए टैक्स धीरे धीरे हॉली हॉली लिटिल लिटिल आप टैक्स अंदर एब्सॉर्ब किए जा रहे हैं इसे आराम से जाना कहीं जल्दी नहीं है ये एक बार आपको समझ में आ गया आपको आगे डिफिकल्टी नहीं होगी साहब जहां हमें टाइम लगाना है ना साहब ईमानदारी से वहां पे टाइम लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है डन तीन नोट हमने वहां लिखे उसका बेल टेक्स्ट यहां से भी पढ़ लिया क्या समझ में आया आपको जो आप रजिस्टर में लिख रहे हैं वो हर चीज नोट्स में अवेलेबल है रजिस्टर में आप अपनी भाषा में लिखते हो तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है आपके बनाए हुए पर्सनल नोट्स होते हैं तो आपको उस पर हमेशा कॉन्फिडेंस रहता ही रहता है बुक में तो खैर सारी चीजें लिखी हुई है आपके खुद के बनाए हुए नोट्स पे आपको अलग कॉन्फिडेंस आता है साहब यस और नो चलिए आगे बढ़ते हैं सर वन टू थ्री डन सर ओके अब हम आते हैं आगे के पार्ट पे वापस से चार्ट में आइए चार्ट में वापस आओ अप टू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड कोई टैक्स नहीं टू लैख फिफ्टी थाउजेंड से फाइव लैख कितना टैक्स आएगा पांच परसेंट टैक्स रेट कितना आएगा बारह हजार पांच सौ रुपए पांच लाख से ऊपर अप टू टेन लाख रुपीज पांच लाख से ऊपर अप टू टेन लाख रुपीस ट्वेंटी परसेंट का टैक्स शॉर्टकट आएगा एक लाख बारह हजार पांच सौ आइए समझते हैं यहां पे लिखिए एग्जाम्पल नंबर फोर एग्जाम्पल नंबर फोर एंड अबाउट टेन लाख इट इज थर्टी परसेंट अब टेन इट इज थर्टी परसेंट बराबर है एग्जाम्पल नंबर फोर लिख दीजिए इधर के लिए भी कॉमन इधर के लिए भी कॉमन रजिस्टर्स में आगे आ जाइए जहां पे भी आप अपने प्रॉब्लम लिख रहे होंगे एग्जाम्पल नंबर फोर वी जे रेसिडेंट सो विजय इज ए इंडिविजुअल ही इज रेसिडेंट चलो साहब टोटल इनकम लेट से इसको हम दे देते हैं फोर पॉइंट वन टोटल इनकम सिक्स लाख रुपीज चलिए टैक्स निकालने का ट्राई करते हैं टाइम starts नाउ एक बच्चा है बेटा कह रहा है बुक दे दो मैं आप सभी को बता दूं। बुक इज ऑलरेडी इन प्रिंटिंग आप तक के पहुंच जाएगी बुक्स प्रिंटिंग के अंदर में ही है तब तक के एक चैप्टर की आपको जरूरत है आपकी स्टडी नहीं रुकना चाहिए उसके लिए ये एक चैप्टर मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल दिया है प्लीज टेलीग्राम देख लीजिए वहां पर आपको ये मिल जाएगा उतना तो खैर अभी आपको करना पड़ेगा पारुल का जवाब आ चुका है रजनी का जवाब भी आ चुका है बहुत बढ़िया बेटा आज रजनी और पारुल फॉर्म में हैं, दोनों के दोनों बच्चे बहुत बढ़िया बेटा देखो कुछ आंसर जो आप लोगों ने दिए हैं मैं वो यहां लिख रहा हूं स्टूडेंट्स के आंसर में लिख रहा हूं क्या क्या है जरा देखते हैं थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी थाउजेंड एट हंड्रेड जी हां थर्टी थ्री थाउजेंड दस हजार चार सौ दस हजार चार सौ बहुत बढ़िया बेटा दस हजार चार टेन थाउजेंड एट हंड्रेड ओके थर्टी थ्री बढ़ चढ़ के बोली लगाइए साहब बढ़ चढ़ के बोली लगाइए इसके अलावा कोई आंसर निकाल के बताइए कोई आ रहा है तो कैसा भी आंसर चलेगा आज आपसे यह उम्मीद नहीं है कि सही आंसर निकालो तुम चलिए मोटे मोटी तौर पे 59800 क्या बात है साहब 59800 72800 72800 इसे ही कहते हैं विविधता में एकता पढ़ाया सबको एक आंसर सबके अनेक चौदह हजार पांच सौ बहुत आगे जाओगे बेटा चौदह हजार पांच सौ थ्री लैख थर्टी एट थाउजेंड वन हंड्रेड आर्यन तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे पांच हजार दो सौ रुपए पांच हजार दो सौ रुपए अठारह हजार दो सौ रुपए बहुत शानदार बेटा बढ़ चढ़ के बोली लगाइए जो आंसर जैसा आंसर सब एक्सेप्टेड है आज के दिन पहली बार टैक्स पढ़ रहे हो गलती तो करोगे ही ना लो साहब इसे कहते हैं विविधता में एकता पढ़ाया सबको एक आंसर सबके अनेक अब देखो होगा क्या पता है किसी बच्चे ने आंसर लिख के आया थर्टी टू फाइव हंड्रेड किसी बच्चे ने लिख के आया थर्टी थ्री फाइव हंड्रेड किसी ने लिख के आया बीस हजार आठ सौ किसी ने लिख के आया दस हजार चार सौ आईसीए तुम्हें इसीलिए माफ नहीं करता पता है इसलिए तुम्हें इंस्टीट्यूट माफ नहीं करता सालो इसलिए माफ नहीं करता है तुम्हें ऐसी ऐसी हरकत करोगे तो कौन तुम पे विश्वास करेगा इमेजिन इमेजिन पहली बार कोई साइंस साइंस वाला बंदा, बराबर है कोई वाली दीदी कोई साइंस वाली दीदी आई कोई यू नो प्रोफेशनल के पास मुझे बताइए मेरा इनकम सिक्स लाख रुपीज है मेरा टैक्स कितना होगा वो पहले व्यक्ति के पास गई उसने कहा मैडम बारह हजार पांच सौ टैक्स आएगा तुम्हारा गलती से उस व्यक्ति को विश्वास नहीं आया वो लड़की को विश्वास नहीं आया दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गई सीएमए सीएस के पास गई जो भी प्रोफेशनल स्टूडेंट टैक्स तो खैर सबको है उसके पास गई मुझे छह लाख रुपए इनकम है आप कितना टैक्स निकाल के देंगे दूसरा वाला कहता है अरे मैडम मैं तो बीस हजार आठ सौ में आपका टैक्स सेटलमेंट कर दूंगा उसको लगता है वाह पिछले वाले के पास गई थी थर्टी टू फाइव हंड्रेड इसने मेरे को ट्वेंटी थाउजेंड एट हंड्रेड निकाल के दिया लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ है तीसरे के पास गई क्योंकि दो आंसर तो मिल ही चुके थे तीसरे के पास गई मेरी इनकम छह लाख रुपया प्लीज मुझे बताएंगे मेरा टैक्स कितना आ रहा मैडम दस हजार चार सौ में कर दूंगा मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लड़की लगता है बोथ ग्रुप एक साथ दिया था एक साथ पास हुआ है रिस्पेक्ट इसी के पास मेरा टैक्स गलती से वो चौथे के पास चले गई चौथे के पास जाकर के मेरी इनकम छह लाख रुपए टैक्स कितना दोगे पांच हजार दो तेरे लिए कोई बात है पगली इधर इधर खड़ी रहे कितना दो 5200 देगी चल तेरे लिए पांच हजार दो बस हजार तो दो दे दे बाकी टेंशन मत ले तू इतना टेंशन मत लिया कर अपना ख्याल रखिया आकर इमेजिन अब उसका भरोसा उड़ जाएगा प्रोफेशन से ऐसे हरकतें करोगे तो ऐसी हरकतें करोगे ना तुम प्रोफेशन से भरोसा उड़ जाएगा उसका क्या बोलूंगा उसको मैं बताओ क्या कहूं बिचारी को मैं देख पा रहे हो तुम इस खूबसूरत लड़की को क्या बोलू बिचारी को मैं रहे हो सिर्फ अबे ऐसे नहीं करते प्रोफेशन से भरोसा उठ जाएगा आए बड़े बत्तीस पांच सौ सेवेंटी टू एट हंड्रेड कौन है ये इसको पहले बाहर करो सेवेंटी टू एट हंड्रेड वाला कौन था ये आचल आचल बेटा क्यों क्या हो गया तुम्हें कैसी हरकतें कर रही हो बेटा ऐसे करोगे ना तुम लोगों का भरोसा उड़ जाएगा चलो आओ देखते हैं टैक्स कितना है एससी रेसिडेंट है ध्यान से सुनो मैं इसको सॉल्व करने के तुम्हें दो तरीके बता देता हूं सबसे पहला ही बता देता हूं शॉर्टकट ध्यान से सुनना अप टू एन इनकम ऑफ फाइव लाख क्या पांच लाख तक का टैक्स मेरे हर बच्चे को समझ में आ गया बारह हजार पांच सौ जिसे ये नहीं समझ में आया शॉर्टकट उसको बता देता हूं अप टू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड नील नेक्स्ट टू लैख फिफ्टी थाउजेंड नेक्स्ट टू पॉइंट फाइव लैख जब आपकी टोटल बनेगी पांच लाख तक इस पांच परसेंट के हिसाब से बारह हजार पांच सौ कैलकुलेटर पे करके देख लो यही बात मैं आपको कह रहा था कि अगर आपको पांच लाख के ऊपर की फिगर आती है तो पांच लाख तक का तो टैक्स आपके दिमाग में ही होना चाहिए पांच लाख तक का तो टैक्स आपके दिमाग में ही होना चाहिए बारह हजार पांच सौ अब बैलेंस इनकम कितनी बची आपकी बैलेंस इनकम कितनी बची एक लाख जो इनकम पांच लाख के ऊपर है इस पे आपका टैक्स रेट क्या आने वाला है इस पे आपका टैक्स रेट आने वाला है ट्वेंटी परसेंट आया ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज अब क्या हुआ आपका टोटल टैक्स आया थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज आपका टोटल टैक्स कितना आया थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज यानी जिस जिस बच्चे ने ये दस हजार चार सौ वाले जवाब दिए है ना थर्टी टू फाइव हंड्रेड के नीचे वाले जवाब दिए इनको तो आप सीधा सीधा काट दो कहा सोच के आए थे वे सारडा खुश होगा शाबासी देगा ओ देख रहे हो जब इतने बच्चे पेपर देते हैं इतने बच्चे पेपर देते हैं तो वो रिजल्ट का परसेंटेज क्या आता है आपको समझ रहा है बेसिक गलती बेसिक गलती है पर ये गलतियां होती हैं ये गलतियां होती हैं ये है रिजल्ट का परसेंटेज आप लोगों के बुझे ध्यान से सुने अब रिबेट मिलेगा रिबेट मिलेगा नील क्यू अबे टोटल इनकम पांच लाख के ऊपर है बाम केसरी जीवन टोटल इनकम पांच लाख के ऊपर है रिबेट कहां से दे रहे हो तीसरी कंडीशन रिबेट की टोटल इनकम नॉर्मल प्लस स्पेशल शुड नॉट एक्सीड फाइव लाख रुपीज आपकी टोटल इनकम 6 लाख रुपए है रिवेट नहीं मिल सकता आया धान में में दुकान में अब आपका टैक्स बना थर्टी टू फाइव हंड्रेड अब भी कुछ बाकी है तेरे मेरे बीच में प्रॉब्लम में बोला हो या नहीं बोला हो ईमानदारी से चार परसेंट का सेस निकालना है बोला हो या नहीं बोला हो अब आई आपकी टैक्स लाइबिलिटी थर्टी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है ऑलरेडी राउंड ऑफ है दस जवाब में से एक जवाब सही इंटेंसिटी समझ रहे हो बेटा इंटेंसिटी समझ रहे हो सोच क्या सोच के आए थे सारा खुश होगा ओ कहा जाना है तुम्हें सीए फाइनल में जाओगे ओ फर्स्ट अटेम्प्ट दस आंसर में से एक आंसर सही निकलता है आप देख लो हिला डाला ना वैसी सिचुएशन है मजा आया समझ आया गलती कहां कहां कर रहे हो कंसेप्ट अभी पढ़ा है आपने लेकिन देखो थ्योरी कितनी अलग होती है प्रैक्टिकल कितना अलग होता है नो yes no? जिन जिन बच्चों ने थर्टी थ्री एट हंड्रेड निकाला वेरी वेरी गुड जो जो बच्चे थर्टी टू फाइव हंड्रेड पे आ गए कर दिया और बाकी सारे बच्चे जो सेवेंटी टू एट हंड्रेड तक के पहुंच गए थे बेटा ऐसा नहीं करते बेटा जिंदा छोड़ो इंसानों को भी छह लाख में से बहत्तर हजार रुपए टैक्स देगा ना आदमी जिंदा नहीं बचेगा यस क्या रिबेट मैंडेटरी है अप टू पांच लाख रुपए तक के यस बिल्कुल जरूरी है होता ही है बाय डिफॉल्ट होता है चलिए साहब एक प्रॉब्लम और ले लें कॉन्सेप्ट और अच्छे से बिल्ड हो जाएगा एक प्रॉब्लम और क्योंकि हमारे इतने सारे दोस्त गलत हुए हैं तो एक प्रॉब्लम और तो बनता ही है फोर पॉइंट टू एग्जाम्पल नंबर फोर पॉइंट टू टोटल इनकम सेवन लैख नाइन्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फोर्टीन आपका समय सीमा शुरू होती है अब पूरे पांच मिनट का टाइम देता हूं पूरे पांच मिनट के टाइम पे करो जितना पढ़ाया सब अप्लाई कर दो टैक्स निकाल के दिखाओ ज्योतिष कुमार जी टैक्स निकालो मुझे वो अमाउंट नहीं चाहिए सीधा टैक्स निकालो मैंने आपसे टैक्स निकालने को कहा है वीजे रेसिडेंट टैक्स निकालिए मैंने आपको बाकी कुछ करने नहीं बोला एक जवाब यहां पे मैं नाम के साथ लिखता हूं इस बार रजनी ने जवाब डिलीट कर दिया धवल ने जवाब दिया है सेवेंटी थ्री नाइन हंड्रेड मैं फिर से बच्चों से कह रहा हूं मुझे टैक्स चाहिए आप क्या लिख रहे हो क्या कमेंट कर रहे हो इसके ऊपर दिमाग लगाओ एक एक वर्ड लिखना कुछ भी मिस मत करना शॉर्टकट मत मारना सेवेंटी थ्री फोर हंड्रेड जय का जवाब जो भी जवाब आ रहे हैं प्लीज बताओ मतलब गलत भी होगा चलेगा अपन सीखने के लिए बैठे हैं बेटा इन जवाबों के अलावा आपके कोई जवाब है तो प्लीज बताओ जो भी निकल रहा है डन साहब चलिए मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं पचास हजार अमर का जवाब चेक इनकम अप टू फाइव लैख क्या मेरे बच्चे को पांच लाख रुपए तक का टैक्स पता है ये बारह हजार पांच सौ ही आएगा कैसे कैसे भी कर लीजिए पहले ढाई लाख तक के निल नेक्स्ट ढाई लाख पे पांच परसेंट यानी लाख बारह हजार पांच सौ ही आएगा बैलेंस एक मिनट बच्चे ने अगर डायरेक्ट ये गलती कर दी कंफर्म वो गलत हो जाएगा इंस्टीट्यूट आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है पता है यहां पे इंस्टीट्यूट आपसे एक सही चीज एक्सपेक्ट करता है और वो सही चीज ये है कि आप सबसे पहले इसे राउंड ऑफ करो राउंड ऑफ अंडर सेक्शन 288 एटी एट ए सेवन अगर आप में से किसी ने भी मिस कर दिया होगा ना हाफ 0.5 मार्क्स इधर कटेगा क्योंकि आपने 288 एटी एट ए का नॉन कंप्लायंस किया है भले ही आपका आंसर फाइनल वाला राइट right हो सकता है पर हाफ मार्क्स फिर भी कटेगा बिकॉज 288 एटी एट ए का नॉन कंप्लायंस हुआ है अब इसमें से क्या करना है इनकम अप टू फाइव लैख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड बैलेंस टू नाइन टू एट वन जीरो इस पे टैक्स रेट ट्वेंटी परसेंट एट फाइव सिक्स टू आपका टोटल टैक्स निकला सेवन वन जीरो सिक्स टू बताओ क्या रिबेट मिलेगा से यस yes. नहीं मिलेगा सर क्यों नहीं मिलेगा टोटल इनकम ही पांच लाख रुपए के ऊपर है अब भी तेरे मेरे बीच कुछ बाकी है सेस बोला हो नहीं बोला हो मैंडेटरीली लगाना है टू एट फोर टू आपका टैक्स आ गया सेवन थ्री नाइन जीरो फोर पॉइंट फिफ्टी क्योंकि पॉइंट फोर्टी एट है इसलिए भी मैंने कंसिडर नहीं किया ये आ गई आपकी टैक्स लाइबिलिटी इस टैक्स लाइबिलिटी को क्या करो इस टैक्स लाइबिलिटी को राउंड ऑफ करो सर मैंडेटरी है यस कौन से सेक्शन के हिसाब से 288 एटी एट बी सेवन थ्री नाइन डबल जीरो निकिता आपका जवाब सही हो सकता है अगर कैलकुलेटर पे आपका पॉइंट फाइव आया है तो ये फाइव हो जाएगा और उस हिसाब से आपका जवाब सही हो सकता है अमर बेटा जवाब गलत है जय बेटा गलत जवाब पवन बेटा गलत जवाब समझ में आया क्यों किस लिए कैसे देख लीजिए आपके सामने चलो ईमानदारी से बताओ यह किसने नहीं किया था आंसर भले ही सही हो सकता है लेकिन जिनने सही आंसर दिया उनने भी ये पार्ट गलत किया हो सकता है ईमानदारी से एक्सेप्ट करो राउंड ऑफ नहीं किया ईमानदारी से एक्सेप्ट करो राउंड ऑफ नहीं किया तो ध्यान से सुनना मैं एक और बार बता रहा हूं आपका टोटल इनकम था सेवन नाइनटी टू एट वन फोर सबसे पहली जिम्मेदारी इनकम को राउंड ऑफ करो जो आज हमने पढ़ी आज हमने इनकम को राउंड ऑफ किया सबसे पहले सेवन नाइन टू एट वन जीरो इन मल्टीपल ऑफ टेन राउंड ऑफ करना है ठीक है लास्ट फिगर को देखा लोअर साइड राउंड ऑफ कर दिया क्योंकि लास्ट फिगर अप टू फोर थी राइट right? इसके बाद अप टू पांच लाख तक का टैक्स हमारे दिमाग में फिट है बारह हजार पांच सौ वो बाहर निकाल दिया बैलेंस इनकम पे जो पांच लाख के ऊपर और दस लाख के नीचे है उस पर बीस परसेंट लगा दिया बराबर टोटल टैक्स आया सेवन वन जीरो सिक्स टू सेवन वन जीरो सिक्स टू जैसे ही आया इसमें हमने रिबेट नहीं माइनस किया क्योंकि आपकी टोटल इनकम पांच लाख रुपए से ऊपर है सेस ऐड कर दिया हमने पैसे को हमने इग्नोर किया टैक्स लाइबिलिटी आई आपकी सेवन थ्री नाइन जीरो फोर और इसे टू एटी एट बी के हिसाब से राउंड ऑफ कर दिया लास्ट फिगर फोर था तो लोअर साइड राउंड ऑफ पे लेकर के आ गए सेवेंटी थ्री नाइन हंड्रेड वॉज द आंसर यस जिसने नहीं किया था कोई बात नहीं बेटा हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस में हैं अंडरस्टैंड कीजिए मैं मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं हूं तो मैं समझ सकता हूं कि ये लर्निंग एक्सपीरियंस है लेकिन आप आप देखो जो छोटी 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 आप गलती कर रहे हो इसका बड़ा इंपैक्ट हो सकता था अगर हम इतना स्लो नहीं जाते तो आप सोचो क्या मजा आता टैक्स के अंदर में नहीं आज जो आपको टैक्स के अंदर में मजा आ रहा है ना वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं आपके छोटे 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 पॉइंट मिस्टेक कर रहा हूं हो सकता है एक आध लेक्चर इसमें मेरे को ज्यादा लग जाए लेकिन जब आप बाहर निकलोगे ना तब आप एक निखर करके बाहर निकलोगे आपको मजा आएगा जब आप सॉल्व करोगे आपको पता रहेगा बेटा हाँ मेरी गलती हाँ गलती है है इस इस तरीके की गलतियां है। गलती है बस अवॉइड करनी है बाकी आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं गलतियां है अवॉइड करनी है आपको साहब समझ में आ रही है मेरा बच्चा चलो एक प्रॉब्लम और ले लेने एक 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 बस लास्ट प्रॉब्लम आज का लास्ट प्रॉब्लम और ले लेते हैं आज का लास्ट प्रॉब्लम 4.3 टोटल इनकम एग्जाम्पल नंबर फोर पॉइंट थ्री ठीक है टोटल इनकम वीजे रेसिडेंट के लिए टोटल इनकम हुई फिफ्टीन लाख एट्टी थाउजेंड सेवन एटी टू चलो साहब और पांच मिनट का टाइम दिया आपको निकालो जितना लिखाया है जितना समझाया है सब कुछ अप्लाई कर दो प्रभु क्या क्या जवाब आए हैं देख तो लू तो जवाब आ चुके हैं बहुत सारे 298 200 एक कॉमन जवाब दिख रहा है सभी लोगों का ठीक है साहब इनकम अप टू टेन लाख रुपीज क्या मैं बोल सकता हूं अब नियरेस्ट टेन लाख रुपीज है जहां तक का मुझे टैक्स पता है जिसे नहीं समझा उसे एक और बार समझा देता हूं देख बेटा फर्स्ट टू पॉइंट फाइव लाख रुपीज तक के तेरा टैक्स आएगा नील नेक्स्ट टू पॉइंट फाइव लाख रुपीज पे तेरे को आएगा पांच परसेंट जो आएगा बारह हजार पांच सौ रुपए यहां तक की तेरी इनकम हो गई पांच लाख रुपए नेक्स्ट पांच लाख रुपए दैट इज अप टू टेन लाख रूपीज तेरा टैक्स रेट है ट्वेंटी परसेंट जो आएगा एक लाख रुपए तो टोटल टैक्स हुआ ना एक लाख बारह हजार पांच सौ रुपए अपटू टेन लाख पे शॉर्टकट समझ में आया मैंने सीधा आपको शॉर्टकट दे दिया कि इतना सब कैलकुलेशन में देने की जरूरत नहीं सर क्या हम एग्जाम में शॉर्टकट लिख सकते हैं अरे बिंदास लिख कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है अपटू टेन लाख रूपीज एक लाख बारह हजार पांच सौ टैक्स आ गया बैलेंस और डरना मत अभी हमें और भी प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं फाइव लैक एट्टी थाउजेंड सेवन एट्टी पोस्ट राउंड ऑफ ये अब एक तरीका मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कई बार ऐसा होता है आदमी राउंड ऑफ करना अगर भूल जाए तो कभी डरना मत पोस्ट राउंड ऑफ कर देना तो भी काम आसान हो जाएगा समझ में आई बात एग्जामिनर यहां पे भी आपको कंसिडर कर लेगा इस पे टैक्स रेट कितने परसेंट अब थर्टी परसेंट क्योंकि आपकी इनकम अब दस लाख रुपए के ऊपर चले गई है आपकी इनकम कितने से ऊपर चले गई है थर्टी लाख से ऊपर चले गई है फाइव एट्टी सेवन एट्टी इंटू थर्टी परसेंट वन सेवन फोर टू थ्री फोर आपका टोटल टैक्स निकला टू एट सिक्स सेवन थ्री फोर रिबेट तो मिलने वाला है नहीं एक स्टेप खत्म करके डायरेक्टली सेस कर दू कोई प्रॉब्लम नहीं है डबल वन फोर सिक्स नाइन आपका टोटल टैक्स बना टू नाइन एट टू जीरो थ्री इसे राउंड ऑफ कर दो 288b 298200 एवरीबॉडी गेटिंग इट और नॉट जिन जिन लोगों का जवाब आया है बधाई हो आज आपने बहुत बेहतर किया है आज आप थोड़ा सा टैक्स सीख गए आज मजा आ गया साहब यहां तक के इसके आगे का वीडियो देखने से पहले सभी बच्चों को मैं कहूंगा एक बार जितना अब तक पढ़ा है पूरा पढ़ना है जितने प्रॉब्लम आज सॉल्व करें हैं वो फिर से आज एक और बार सॉल्व करना है अगर ये प्रॉब्लम आप अभी तक सॉल्व नहीं करते आगे का वीडियो बिल्कुल मत देखना आगे बिल्कुल मत जाना यहां तक का टैक्स हमने बहुत धीरे धीरे हॉले हॉले आराम से किया है आप भी आराम से करें जल्दी नहीं है एक बात समझ के चलें जल्दी नहीं है आराम से करो हले होले करो धीरे धीरे करो समझ में आ जाएगा टैक्स कैलकुलेशन आपका बेस है ऑलमोस्ट एग्जाम में जितने प्रॉब्लम आते हैं 90% तक के के प्रॉब्लम्स जो प्रैक्टिकल आते हैं उसमें टोटल इनकम साथ साथ टैक्स भी बोला जाता है यस yes, मालिक यहां तक की चीजें एक और बार फिर से कर लेना यहां तक के आपका कंप्लीट आप हो चुका होगा आज अभी तक हम लोगों ने क्या किया है मैं वो आपको बता दू अभी तक हम लोगों ने एक चार्ट बनाया है एक चार्ट बनाया है चार्ट का सिर्फ लेफ्ट वाला पार्ट यहां तक का कंप्लीट किया और साथ साथ में हमने तीन नोट कंप्लीट करी एक रिबेट एच ई सी और राउंड ऑफ कल या इसके आगे का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन उसके लिए आपको यहां तक का पहले पूरा पढ़ना जरूरी है इसके आगे मत बढ़िएगा गेटिंग इट और नॉट वीडियो भले यहां रुक दीजिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है बट इसके आगे बढ़ने से पहले यहां तक का आपको परफेक्शन आना बहुत जरूरी है कल और टैक्स के कैलकुलेशन आएंगे और हायर लेवल पे जाएंगे एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ेंगे आज हम सिर्फ तीन सीढ़ियां ऊपर चढ़े हैं एक दो तीन राउंड ऑफ रिबेट एंड आपका सेस। ये पर भाई साहब आपको मजा आया होगा पहली बार टैक्स में मजा आया होगा इस बात की गारंटी मेरी और अब तक के आपको मेरा वादा जरूर याद होगा कि दिन का सबसे बेस्ट लेक्चर यही होगा जो नॉलेज से भरपूर होगा मजे से भरपूर होगा कंटेंट से भरपूर होगा डन मालिक अब आते हैं हम इस सेशन पे क्वेरीज आ जाओ साहब मैं आपके अब क्वेरीज हैंडल करने के लिए बिल्कुल बेकरार हूं उत्सुक हूं प्लीज मुझे बताइए आपकी क्वेरीज क्या है निकुंज कह रहे हैं थैंक यू फॉर टीचिंग इन दिस वे थैंक यू निकुंज मैं समझ सकता हूं हम एवरेज बच्चे हैं धीरे धीरे जाएंगे तो मजा आएगा पारुल इफ वन पर्सन अर्न टेन लाख रुपीज एज टोटल इनकम एंड शो इट एज इनकम इन इज फोर फैमिली मेंबर्स एज टू पॉइंट फाइव ईच विल ही बी लाइबल टू टैक्स फॉर टेन लाख और एग्जाम पारुल डिपेंड करता है आपने किस तरीके से उन्हें दी है डिपेंड करता है असेसमेंट हुई है क्या आप तो टैक्स अवॉइड करने की कोशिश करोगे पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फूल नहीं है वो भी इस बात को बहुत अच्छे से देखेंगे तो बेटा ये इतना आसान नहीं है जितना आसान तुम समझ रही हो पर अगर ये हाइपोथेटिकली कर भी ले तो आंसर आएगा फिर पूरा टैक्स नील हंड्रेड परसेंट क्लियर टेलीग्राम का लिंक दे दो मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं यहीं पे नीचे सभी बच्चे मैंडेटरीली जुड़ जाए मैंने आपको सभी लोगों को कहा है यू मस्ट ज्वाइन मी एट थ्री प्लेसेस फर्स्ट यूट्यूब सी ए सारडा इस पे आप कंपलसरीली सब्सक्राइब करके रखेंगे इंस्टा पे आप मेरे साथ मैंडेटरीली जुड़ जाएंगे हर संडे को मैं इंस्टा लाइव जाता हूं आज भी जाऊंगा तो आप जुड़ जाएं इंस्टा के ऊपर भी अगेन सीए विजय सर्च कर ले। मैं आपको मिल जाऊंगा और इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी आपको ज्वाइन होना है अगेन सीए विजय विजयारडा को आप सर्च कीजिए उसके अंदर में ज्वाइन हो जाइए मैं टेलीग्राम लिंक आपको तुरंत दे रहा हूं चैट के अंदर में साहब ये मैंने भेज दी योर टीचिंग स्टाइल इज एक्सेलेंट थैंक यू यश सर रिबेट में इंडिविजुअल और एक्सप्लेन कर दो बेटा इंडिविजुअल का मतलब नेचुरल पर्सन वही इंडिविजुअल है इसके अलावा इसको कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है सर रिटर्न क्या होता है एक पूरा चैप्टर है बेटा 288 एटी एट ए टू एटी एट भी लिखना कंपलसरी है नो no, लिख दो तो अच्छी बात है उनको आप पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा सर यही फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन करना है यस yes. इनकम में लॉस इंक्लूड होता है क्या यस yes. इसका एक सेपरेट चैप्टर है सत्यम जिसे हम कहते हैं सेट ऑफ आगे आएगा सर नोट्स का पीडीएफ लिंक में दे दो बेटा ऑलरेडी टेलीग्राम पे रजनी आप प्लीज़ ले लीजिए सेक्शन लिखना कंपलसरी है क्या शिवम आपका ये सवाल है तो मेरे पुराने लेक्चर जाके देखो मैंने क्लियर कट बोला है जो सेक्शन बोलूँ बस उतने याद करो बाकी हर सेक्शन याद नहीं करना है सर एक्सेप्शन वाले पार्ट में अगर रेसिडेंट लड़की हो और उसकी मैरिज हो रहा होगा आउट ऑफ इंडिया तो उसका प्रोसेस भी सेम रहेगा यस यू आर लिविंग द इंडिया तो उस टाइम पे भी प्रोसेस सेम ही रहता है प्रीवियस ईयर के डेफिनेशन में फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है हाँ फाइनेंशियल ईयर बिकॉज एक अप्रैल से चालू करते हैं हम प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशन भी पर ट्वेल्व मंथ नहीं लिखा है सर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड द टैक्स षार ऐसा हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा लगे दैट कोई व्यक्ति टैक्स अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है यह सिर्फ जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक हो तो ही ऐसा हो सकता है इज दिस क्लासेस फॉर ओल्ड सिलेबस आंसर इज यस सर यू आर द बेस्ट बट ऑल क्वेश्चन आंसर इज रॉन्ग सो आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड ट्राई द क्वेश्चन वंस अगेन अनुजा बड़ा सिंपल है आज का लेक्चर फिर से एक बार देखो और जितने कैलकुलेशन हमने किए हैं फिर से एक बार ट्राई करो आपको जमेगा इसीलिए मैंने कहा कि आज हम आगे न बढ़ते हुए यहीं तक का पहले पूरा सभी बच्चे जिसको आ गया है वो भी करो जिसको नहीं आया है वो भी करो ताकि कल जब हम नेक्स्ट हायर लेवल पे जाए आपको समझ में आए सर अगर पर्सन रेसिडेंट है और इनकम पांच लाख रुपए से लेस है तो सर उस केस में सेस कैसे निकालेंगे सेस निकालने की जरूरत नहीं टैक्स आफ्टर रिबेट इन नील आ जाएगा जब टैक्स इन तो रिबेट या सेस निकल ही नहीं सकता सीएमए बेटा अपडेट हो जाएगा आज ही हो जाएगा मैंने भी देखा कि वो फाइनल अपडेट अपडेट हुआ इंटर नहीं हुआ है है इंटर नहीं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड द टैक्स मैंने तुषार समझा दिया आपने शायद सुना नहीं शेड्यूल एक से चौदह का क्या मतलब है जय आपने शायद बेसिक नहीं देखा बेटा मैंने शेड्यूल का मीनिंग समझाया है प्लीज एक बार देख लो नहीं तो दोबारा एक बार देख लो सब्सिडी इनकम क्या होती है सत्यम पीजीबीपी नाम का एक चैप्टर आएगा सेक्शन ट्वेंटी देखेंगे गिव द एग्जाम्पल ऑफ मार्जिनल रिलीफ अजय हमने अभी तक मार्जिनल रिलीफ नाम का कंसेप्ट ही नहीं पढ़ा तो जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं उस पर सवाल आप रेस करके कोई मतलब नहीं आएगा यस yes, दुर्गा इट इज एप्लीकेबल फॉर नवंबर ट्वेंटी वन थैंक यू सो मच फॉर ऑल वंडरफुल क्लासेस बेस्ट ऑफ बेस्ट टीचर थैंक यू पारुल फाइनेंशियल ईयर डेफिनेशन में ट्वेल्व मंथ्स लिखा हुआ है तो प्रीवियस ईयर में फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है तो ट्वेल्व मंथ्स ऑलरेडी इंक्लूड होगा ना नहीं प्रिंकल ऐसा नहीं है फाइनेंशियल ईयर हम रेफरेंस लेते हैं एक अप्रैल के एंगल से ट्वेल्व मंथ्स के एंगल से नहीं अदरवाइज हमें नई डेफिनेशन लाने की जरूरत ही नहीं होती डू नवंबर ट्वेंटी स्टूडेंट नीड टू डू टैक्स अगेन आदित्य यस क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट है तो ये जरूरी है बुक्स प्रिंटिंग में है बेटा हम अभी वेबसाइट के ऊपर अपडेट कर दें आप ऑर्डर कर दोगे और आप बार बार फिर क्वेश्चन पूछोगे सर मेरा बुक अभी तक आया नहीं इसीलिए हम बुक्स का थोड़ा सा डिले कर दिया है और ऑफर के ऊपर भी हम लोग वापस से ध्यान देंगे नहीं बेटा जब दस लाख के ऊपर का कैलकुलेशन का है आप डायरेक्ट जैसा अभी हमने कैलकुलेशन किया आप वैसा दिखा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं मॉड्यूल की लैंग्वेज मैंडेटरी नहीं होगी उसका दो रीजन है एक आपको खुद को याद नहीं रहेगा दूसरा आप नॉर्मल लैंग्वेज लिखोगे चलेगा मॉड्यूल के लैंग्वेज में भी ऐसा कोई बहुत बड़ी लैंग्वेज नहीं है एक्सपेक्टेड टाइम नवंबर ट्वेंटी के रिजल्ट्स का नहीं बता सकते सर क्योंकि फाउंडेशन uh, और फाइनल के रिजल्ट्स तो हमको लगता है कि जनवरी में आ जाएंगे और इंटर के रिजल्ट फरवरी से पहले तो मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता हर बार जिस तरीके से होता है सर टिल विल टिल विल, विल आपने थोड़ा गलत लिखा है कब तक बैच एंड होगी मैं मार्च एंड तक के इस बैच को एंड कर दूंगा एवरी ईयर कितने ही चेंज होते हैं टैक्स में फाइनेंस मिनिस्टर पर डिपेंड करता है बेटा सर हमेशा आपका यही टाइम होगा क्या नहीं बेटा मेरा क्लास का टाइमिंग दो बजे से रहता है ये दो बजे से ही रहेगा आज संडे था और मेरा बीच में एक दिन का छुट्टी हो गया था तो सबके साथ कवर अप करने के लिए मैंने आज ले लिया है अदरवाइज टैक्स का टाइम दो बजे रहेगा सेपरेट अमेंडमेंट लेक्चर आएगा दीपाली दुर्गा बिल्कुल ये ऑफर एक्सटेंड हो जाएगा उसका टेंशन मत लीजिए सो so, मोटे मोटे तौर पे सारे क्वेश्चंस आंसर कर दिए हैं। किसी को अगर लाइव में मुझसे कनेक्ट होना हो बातें करना हो कुछ दर्द शेयर करना हो साहब आइए आप और मैं शाम में या रात में इंस्टा पे मिलते हैं थैंक यू सो मच यू टेक केयर लव यू ऑल बाय बाय बायो बच्चो